सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। क्या हुआ सर? बिरयानी खाने के लिए चल। चलो उठ आजा। हे उठ रे। हे उठ, चल उठना। अरे उठ रे। हे उठ। कहाँ सर? पूजा करने के लिए चल। यही वो जगह है ना? जी सर। ए राठौर। सर लेकर आओ उसे। ठीक है सर। ए चल उठ, साहब बुला रहे हैं। चल अरे साहब बुला रहे हैं, जल्दी चल। तेरा एनकाउंटर करने के लिए लाए हैं यहाँ। सब प्लान के मुताबिक होना चाहिए, मेरी बात समझ गए हो ना? दिखने में तो अच्छे घर का लड़का लगता है, फिर क्यों तूने ऐसा काम किया रे? तेरी फैमिली को देखो तो हमें अफसोस होता है, तेरे अलावा कौन है उनका? अरे कौन है उनका? देख बेटा, हम में भी इंसानियत है, हमारी भी फैमिली है, हमें सब कुछ ठीक से पता है कि तू गुनहगार नहीं है। तू एक काम कर, डिपार्टमेंट को हम कुछ भी बोल देंगे, तू अपनी फैमिली को लेकर इस जगह को छोड़कर कहीं दूर दूसरी जगह पर चला जा। चल जा 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 जा। सर मुझे पता है सर, आप मेरा एनकाउंटर करने के लिए यहाँ पर ले आए हैं। किसने बताया तुझे? अरे ये सब झूठ है, अगर एनकाउंटर करना होता तो तुझसे इतनी देर बातें नहीं करता। अब फालतू का मत सोच, चल जा। मैं नहीं जाऊंगा सर, आप मुझे 100% मार देंगे सर। अरे मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ, चल भाग। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे मत मारिए सर, प्लीज। हाँ ये बात सच है कि तेरा एनकाउंटर करने के लिए ही मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। तुझे मारने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया है, हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। आई एम हेल्पलेस, चल भाग। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है सर, मेरे पैदा होने वाले बच्चे को उसके बाप के बारे में पता नहीं चल पाएगा सर, वो अनाथ हो जाएगा सर। सर मैं मरते दम तक जेल में रहूंगा सर, एटलीस्ट मेरे बेटे को, उसका डैडी जिंदा है और वो एक ना एक दिन जरूर आएगा, ये उसके जहन में तो रहेगा सर, इसलिए मुझे मत मारिए सर, प्लीज सर। सर मैं पैर पर टांग छोड़ दीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तू जा यहां से। सर आपके भी तो बीवी बच्चे होंगे, मम्मी डैडी तो है ना सर, सर मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। चल उठ, चल जा यहां से सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, बचा लीजिए मुझे, परेशान मत करिए मुझे सर। सर सर आप तो मेरी हेल्प कीजिए ना, गलती करने से पहले सब सोचना चाहिए था, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, चल भाग। सर 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 मुझे बचा लीजिए सर, आखिरी सांस तक मैं आपकी पूजा करूंगा सर, प्लीज मुझे मत मारिए सर, सर मुझे जाने दो सर, सर जीने दो ना मुझे सर। चल खड़ा हो जा। अरे खड़ा हो जा, मैं तुझे सिर्फ एक चांस दूंगा और ये आखिरी रास्ता है तेरे लिए, मैं 10 तक गिनूंगा, उतने में अगर तू भाग गया तो तेरी किस्मत, 11वें पर फायर करूंगा और अगर तू मर गया तो आई एम सॉरी। ठीक है सर, मैं जी लूंगा सर, मुझे जीना है सर। Hey, चल भाग अब। वन टू फोर फाइव। अरे कमीने, सुबह सुबह बीड़ी पीना चालू, खास खास कर मेरा दिमाग खराब कर दिया, चैन से सोने भी नहीं देते, ये बूढ़ी सुपारी कूटने बैठ जाती है और तू खांसने बैठ जाता है। जया एक कप कॉफी तो दे दे। हाँ हाँ और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो, सुबह सुबह उठते ही चाकरी में लग जाती हूँ।
रोज रोज यही करके तंग आ चुकी हूँ मैं। कितना कहती हूँ बीड़ी मत पियो, फेफड़े सड़ जाएंगे तुम्हारे, कौन सुनता है मेरी। मैं तो बेमतलब का कहती हूँ ना, मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। बाप दादा जायदाद छोड़ गए हैं ना, जो बैठे बैठे जिंदगी भर खाते रहोगे तुम। जया दीदी मार्केट के लिए लेट हो जाएंगे, बस चली जाएगी। कमला एक दो मिनट रुक जा, वो आ जाएगी। जया दीदी देखो पानी आ गया है। अजय पानी आ गया है, उठ जा। ये लीजिए। जया दीदी जल्दी चलो। आई जरा अपने बेटे को उठाओ, टाइम हो गया है। अरे दीदी आधा मटका भरने दो ना, मुझे लेट हो जाना है। बीच में क्या गुस्सा है रे, सुबह 3 बजे से लाइन लगाकर खड़ी हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे आधा ही भरना है। चुपचाप जाकर लाइन लगा, नहीं तो सुबह सुबह धुलाई कर दूंगी। इसे लेने दो बेटा, दिन के 100 मटके भर के घर ले जाती है, पता नहीं क्या धोती रहती है। क्या लक्ष्मी दीदी, आजकल आपके पतिदेव घर आने के लिए 12 बजा देते हैं ना? हाँ अजय बेटा, ड्यूटी खत्म होने में देर हो जाती है। ड्यूटी तो शाम को 6 बजे ही खत्म हो जाती है। ओवर टाइम करते हैं बेटा। कोई ओटी बीटी नहीं है, किसी ओल्ड ब्यूटी के पीछे पड़कर ओवर ड्यूटी कर रहे हैं बस। ऐसा क्या, तुम सच बोल रहे हो? सच कह रहा हूँ लक्ष्मी दीदी, रोज मोगरे का फूल और स्वीट बॉक्स लेकर इस मीना दीदी के घर पे जाते हैं। अरे तुम मेरी सौतम बनोगे? बढ़िया बढ़िया, और ही भर लेता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरे घर में डेरे डाल दो। अरे सत्ता ना छोड़ यार, मैं तुम्हें जान दे दूंगी। जी आप अपने घर जाइए। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तूने ही उसकी कान भरे। ओ सुपरस्टार सुंदरी, पहले दूसरों के ब्रश से दांत घिसना छोड़ दो, नहीं तो बीमारी आ जाएगी। बढ़ाया मुझे सिखाने वाला। चलिए लक्ष्मी दीदी आगे चलिए। अरे इस औरत को मेरा ही पति मिला था क्या? मेरा पति आज तक मेरे लिए एक फूल तक नहीं लेकर आया, और इसके लिए स्वीट्स लेके जाता है, और घर आते ही थक गया हूँ बोल के सो जाता है। अब पता चला इस औरत के घर पे जाके ड्यूटी करता है, पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा। ठीक है जाइए जाइए, उसको चिल्ला के क्या फायदा होगा। जाइए जाइए, जाकर अपने घर वाले को समझाइए, सब ठीक हो जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, लक्ष्मी दीदी का संसार मैंने बसा दिया। हाँ नाश्ता कर ले, आजा। क्या मम्मी रोज रोज ये पीसा हुआ चावल देती हो, ना इसमें दाल है ना सब्जी है, क्या है ये? ए, जो है चुपचाप खा ले, तेरे बाप ने कोई पैसों का पेड़ नहीं लगाया है, जो पैसे तोड़कर रोज तेरे लिए पकवान बनाऊं। जब तू घर में पैसे लाकर देगा ना, जो कहेगा जब कहेगा बना कर दूंगी तुझे, अभी चुपचाप ये खा ले। ये क्या है जया, वो खाना खा रहा है और तू उसे डांट रही है? देखिए सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, जो काम कर रही है ना चुपचाप वो कीजिए। थोड़ा खर्चे के लिए पैसे दो ना माँ। अच्छा ये बता, तूने जो दूध डाला उसका पैसा नहीं आया? कल मिल जाएगा माँ। ये ले माँ, और एक 50 का नोट दो ना। चल जा, तुझे तो जितना दो उतना कम है। थैंक यू माँ। तुझ पर ही भरोसा है बेटा, जल्दी से पढ़ाई पूरी करके अच्छी सी नौकरी पर लग जा और हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दे। इसलिए कर्जा लेकर तुझे पढ़ा रही हूँ, समझाना। अगर मैं जैसा कहती हूँ वैसा तूने नहीं किया तो तुझे भी जहर दे दूंगी और हम भी जहर खाकर मर जाएंगे। क्या माँ, मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ क्या? उसके लिए अपना दिमाग क्यों खराब करियो, पढ़ लूंगा ना। जाओ। क्या सुबह सुबह खिटपिट लगा रखी है, क्यों हमारे बेटे को बोझ कहती है? ओहो तुम तो कोई राजा महाराजा हो ना, अगर तुम अच्छे से कमा कर लाते तो मुझे ये सब तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। सिर्फ बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होता, उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अपनी पूजा में ध्यान दो। हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। जया के डांटने का बिल्कुल बुरा मत मानना बेटा, वो है इसलिए तो इस घर का दीप जल रहा है। अपनी तकलीफ की वजह से वो छोटी छोटी बातों पे चिल्लाती है, लेकिन दिल की अच्छी है। डैडी पूजा उजा हो गई क्या? हाँ, तू कॉलेज जा रहा है क्या? ये लो, ज्यादा बीड़ी मत फूंकना। दादी ये तेरे लिए। अरे मेरा प्यारा कृष्णा, लेकिन तुझे वो सनी ही मिली थी क्या? कहाँ है वो? अरे अरे वो सीरियल में जो आती है सनी, वही तो। अरे दादी आप ही ना बहुत शरारती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर टू नो अबाउट मिस्टर अजय कृष्णा हैक SMS कॉलर ID प्रोजेक्ट। नाउ आई कॉल अपॉन सप्तगिरी कॉलेज अजय कृष्णा ऑन स्टेज टू कम एंड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन दिस प्रोजेक्ट। हाय हेलो फ्रेंड्स, लास्ट मंथ एक सिम कार्ड खरीदने के लिए मैं एयरकॉल के ऑफिस में गया था। वहाँ नोटिस बोर्ड पर एक चैलेंज था और वो कुछ ऐसा था, इफ यू कैन हैक एनी ऑफ आर एयरकॉल सॉफ्टवेयर यू विल बी रिवॉर्डेड टू गेट लाइफ टाइम आउटगोइंग कॉल्स फ्री।
तो ये मुझसे क्यों नहीं हो सकता, ये सोचकर मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और बस ऐसे ही सोचते सोचते मुझे एक आइडिया आया, एक फोन से दूसरे फोन पे मैसेज कैसे जाता है, मैंने ये स्टडी करना शुरू कर दिया। देन आई थॉट ऑफ दिस हैकिंग मैसेज पैकेट डेटा। आई मॉडिफाइड द कॉलर आईडी, मतलब मैंने कॉलर आईडी को मॉडिफाई करके एक मैसेज भेजा एंड आई वॉज सक्सेसफुल। वो कैसे जानना चाहते हैं, इस फोन से एक मैसेज टाइप करके सेंड करना, तो वो एंटीना में रिसीव होता है, वहां से बेस स्टेशन, नेक्स्ट MCN एम्पलीफायर, वहां से MSC डिपार्टमेंट, और वहां से सर्क्यूलेट होके रिसीवर MCN एम्पलीफायर, फिर डेस्टिनेशन बेस, डेस्टिनेशन एंटीना, और फिर लास्ट रिसीवर फोन। इस प्रोसेस से एक फोन से दूसरे फोन पर मैसेज जाता है। तो जब मैं सोचते जा रहा था, एट अ टाइम मैं हैकिंग पॉइंट ढूंढते भी जा रहा था, और मुझे जो मिला वो था इन बिटवीन फोन एंड एंटीना। यहां मैंने अपने हैकर एप्लीकेशन को फिक्स किया। ये हैकर ऐप क्या करता है जानते हो, जो मैसेज हम भेजते हैं वो एंटीना पर जाने से पहले ही ग्रैब करता है, ग्रैब करके उसे मॉडिफाई करके उसे एंटीना पर पहुंचाता है। वहां से जैसा मैंने बताया वैसे ही रिसीवर मोबाइल में फेक कॉलर आईडी के नाम से मैसेज रिसीव होता है, और फिर इसे मैंने एयर कॉल ऑफिस में प्रेजेंट किया। दे वर सरप्राइज्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इस हैक प्रोसेस से हम कैसे बच सकते हैं, ये बात उन्होंने मुझसे ही पूछी। जैसा कि आप सब जानते हैं हैक करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए इस हैक प्रोसेस को जब मैं बिल्ड कर रहा था उसी वक्त मैंने ये भी सोच लिया था कि इसको कैसे रोका जाए, और वो है ये फोन और एंटीना के बीच में एक फायरवॉल को बिल्ड करना चाहिए। इससे जो हम मैसेजेस भेजते हैं वो ये हैकर रिसीव भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, लेकिन ये मॉडिफाइड किया हुआ फेक मैसेज एंटीना तक पहुंचने से पहले ही ये फायरवॉल उसे रिजेक्ट कर देगा। ये देखकर एयरकॉल वाले बहुत खुश हो गए और मुझे लाइफ टाइम फ्री कॉल की सेवा भी दे दी। साथ ही साथ फायरवॉल का निर्माण करने के लिए मेरा एजुकेशन खत्म होने के बाद एनी टाइम जॉब वेलकम ऑफर भी दिया है। इसके लिए थैंक्स टू एयरकॉल एंड मोस्ट ऑफ ऑल हमारे कॉलेज अथॉरिटी को इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काले भैंस कहीं गए, तेरा फोन है या कंपनी का साइलेंट, तेरी वजह से मेरा मटका फूट गया, अब इसके पैसे को मेरा बाप देगा। अजय अजय अगर चाइना फोन खरीदेगा तो चाइना वाले अमीर हो जाएंगे और हम इंडिया वाले गरीब हो जाएंगे। मेड इन इंडिया खरीद, इंडिया भी आगे बढ़ेगा और तेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को अच्छा काम भी मिलेगा, समझ गया? अच्छा अजय अजय, एकदम नया फोन है, मुझे सेल्फी भी लेने नहीं आता, सेल्फी लेना सिखा दो ना। ठीक है, किसी का फोन तो नहीं आ जाएगा ना। चलो खड़े हो जाओ। हमारा अजय शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे करेगा। अबे क्या करे, क्यों रे गुंडे मवालियों, ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? अगली बार एक एक को देख लूंगी। सेठ जी आधा किलो रवा देना। हाँ हाँ देता हूँ बेटा। ये भी इधर ही आ रही है, छुप जाता हूँ। सेठ जी मुझे आधा किलो बंसी रवा दीजिए। ये लड़का कहाँ गया, रुको एक मिनट देता हूँ। ये लो बेटी, ये लीजिए। हाँ सेठ जी। अरे कहाँ चले गए थे तुम? अरे वो छोटे से गैप में से इसको देख रहा था। अरे सेठ जी मैं तो भूल ही गई थी, 5 रुपए का धनिया भी चाहिए। धनिया पत्ती चाहिए? ये लीजिए। क्या सोचने लग गए बेटा, जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। चेंज दे दीजिए, मैं चलता हूँ।
जरा वहाँ देख, अजय पूरी स्टाइल में यही आ रहा है। हाय फ्रेंड्स। हाय। क्या यार, तू तो इतना खुश लग रहा है जैसे अभी भी फर्स्ट नाइट बना के आ रहा है। चक्कर क्या है? दोस्तों, कल जब मैंने उसको देखा था ना, तब से पूरी रात उसी को याद कर रहा था। और सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली और मैं दुकान पर गया तो वहाँ भी मुझे उस देवी ने दर्शन दे दिए। ए देख 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 देख, अरे उधर तो देख, अरे वो देख आ रही है। हाँ, बहुत मजा आया था उस दिन। जब भी तुमसे याद करता है वो आ ही जाती है यार। अरे यार, तेरी बाइक देना जल्दी। अरे पता नहीं, एक बार हाथ लगा तो छोड़ूंगी नहीं। अभी तक क्यों नहीं आया? अरे ओए 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 ओए, ए मिल्क बॉय, रुक जा इधर आ। दिखाई नहीं देता क्या तुझे? हमारे घर पर दूध बिना डाले तू फटाफट किधर जा रहा है? ऊपर से मेरे डैडी प्रेशर नहीं आ रहा है, कॉफी चाहिए कहकर सारे घर को सर पे उठा रहे हैं। और एक तू है कि घंटी बजाते हुए आगे ही जा रहा है, तुझे थोड़ा सा भी सबर नहीं है? सुनिए। अरे सुनिए, क्या कह रहा है? दूध फोकट में डालता है क्या? हर महीने कमीशन तो लेता ही है ना, तुझे दिमाग नहीं है क्या? सुनिए, तुम्हारे घर में दूध डालने वाला वो नहीं बल्कि मैं हूँ। तेरी तो, अरे सॉरी दीदी, साइकिल का टायर पंचर हो गया था। अरे रुक जा, कल तो तू आएगा ही ना, कल तुझे मैं देख लूंगी। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, बोलना चाहिए था ना कि आप दूध वाले नहीं हैं। बोलने का मौका देती तब बोलता ना, ब्रेक फेल हो चुकी गाड़ी की तरह बस दौड़ती जा रही थी। ओहो सॉरी यार। ओके ओके। अच्छा, कल तुम्हारे बाइक का एक्सीडेंट हुआ था ना, ठीक से देखकर चलाना चाहिए ना। देखकर ही तो चलाया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। कुछ नहीं, जाने दीजिए। तुम्हारा नसीब है कि तुम्हारी कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी। आपसे बाइक ठीक से देखकर चलाना और संभल कर रहना, चलती हूँ। ठीक है। प्रमिला, सॉरी। सॉरी वो क्यों? वो परसों मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाया इसलिए। अच्छा वो, पर वो सच नहीं था क्या? झूठ था? हाय, मैं तो वो सब सच समझ बैठी थी। यार ये क्या है, मैं देखूं तो ही वो देखती है, मैं हंसा तो ही वो हंसती है, हाय बोला तो हाय भी कहती है। मतलब अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लव का सिग्नल भी नहीं मिल पा रहा है यार। ए सुन, अपनी साइकिल में घूमता रहेगा तो कोई भी लड़की लव नहीं करने वाली। जमाना अब बदल गया है, लड़का अगर BMW कार में आए या रेंज रोवर में आए तभी लड़कियां पलट कर देखती हैं। इसलिए कह रहा हूँ कम से कम एक बाइक तो खरीद ले। बाइक? मेरे घर पे पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तू तो जानता ही है ना, मम्मी को बोलूंगा तो बहुत डांटेगी वो। अरे यार एक बार पूछ ले, दिलाएगी तो ठीक है, नहीं तो कहीं से कर्जा लेकर खरीद लेंगे। कर्जा? माँ कसम नहीं नहीं, मतलब तुझे प्रमिला नहीं चाहिए? प्रमिला तो चाहिए। ए, छोड़ दे। क्या छोड़ दूं? प्रमिला मेरी है, एक साल से बुलेट लेके उसके पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा हूँ, पता है क्या? दिल उसको दे दिया मैंने। ए, वो तुझसे प्यार करती है ऐसा उसने बोला क्या? बोला तो नहीं, लेकिन मैं बुलवा लूंगा ना। अगर नहीं बोली तो? जबरदस्ती बुलवा लूंगा। अबे सड़े हुए डब्बे, तू कुछ भी कर ले वो तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ मुझे पसंद करती है। अभी मेरे दिल में उसकी एंट्री हो चुकी है, अब वो मेरी है। वो ऐसा तुझे बोली क्या? बोली इसीलिए तो इतना स्टाइल में हूँ। स्टाइल में? हाँ, ये खटारा साइकिल, ये तेरे लोकल ग्लासेस और ये तेरे लोकल शूज पहनकर वो तेरे पीछे घूमेगी क्या? ब्रांडेड पेन, ये देख ब्रांडेड। ये कपड़े शूज ग्लास सब लोकल ही है, लेकिन एक बार मैं पहन लेता हूँ ना तो यही लोकल ब्रांडेड और स्टैंडर्ड दोनों हो जाता है। मान जा, कह रहा हूँ उसके पीछे मत जा। अच्छा, अगर गया तो क्या कर लेगा? काट दूंगा, बचाऊंगा। ये ले ब्रांडेड, पकड़, चल जा निकल। ए सुन ले, प्रमिला को छोड़ दे। फिर से वही बात। तो तू ही बता, पहला कर्ज अब तक नहीं चुकाया है, अब दूसरा कर्जा लेंगे तो कैसे चुकाएंगे? जरा सोच ना बेटा। माँ मुझे नई नई चाहिए, सेकंड हैंड दिला दे। सुबह उठकर 100 घरों में दूध डालता हूँ, फिर घर आके रेडी होता हूँ, ट्रैफिक में 2 बस चेंज करके कॉलेज जाता हूँ तो लेट हो जाता है, ऊपर से फाइनल ईयर है, स्पेशल क्लास चलती रहती है, अगर लेट हो गया तो मैं एग्जाम में फेल हो गया तो चिल्लाना मत, मैं पहले ही बता देता हूँ। अरे रे रे, तू अच्छे से पढ़ाई कर बेटा, तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी क्या बाइक ही चाहिए ना तुझे?
ठीक है, शिवा भाई से पूछती हूँ अगर वो कुछ कर्ज दे सके तो। भाई प्रमिला आ रही है। भाई वो आएगी तो ज्यादा चिल्लाना मत हा, नहीं तो बाद में प्यार नहीं करना कह के मुझे छोड़ देगी। अरे तो चुप रहे, पहले उसे आने तो दे। हाँ। ए प्रमिला। क्या है? इधर आ, भाई बुला रहा। पर क्यों? हे चल इधर आ। क्या है? तू इतने नखरे क्यों करती है? ये लड़का तुझसे पिछले एक साल से प्यार कर रहा है। हाँ। और तू किसी भिखारी के पीछे पड़ी हुई है? क्या वो बहुत बड़ा दादा है? अच्छा तू सिर्फ इतना बता दे कि इसमें क्या कमी है। अरे ये भी तो एक मर्द है, तू चुपचाप सिर्फ इससे प्यार कर। क्या बोला? इसको देखा है भिखारी दिखता है और इसे मैं हाँ कह दूं? ए प्रमिला इस तरह से तो मत बोलना। चुपचाप खड़ा रहे, देख मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना। क्या रे, तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? उपेंद्र सिंह। अगर मेरे से उलझेगी ना तो नीचे से ऊपर तक काट कर अचार बनाकर खा जाऊंगा। क्या रे, तू मुझे काटेगा? कमीने, पहले इसे ठीक से पकड़ना सीख ले, नहीं तो हमारे शिवा भाई की ओम पिक्चर देख क्या। बहुत गर्मी है तेरे अंदर, तेरी गर्मी निकालने में मुझे बहुत मजा आएगा। मुझसे कह रही हूँ पका जा रहा है, अब तू मेरी बात सुन। अगर तुम्हारा मेरे सामने आया ना तो इसी कोयते से तुझे काट कर खराब कर दूंगी। बंटा सो जा। अरे कचरे कमीने, इसके साथ अगर तू शादी करेगा तो ये दिन भी नहीं जी पाएगा। इस सबकी वजह ना सिर्फ वही है, आज उसकी पक्की खबर लूंगी। देखो भाई, जैसा बोला था मैंने बाइक ले ली, अब वो मेरे रूट पे आ जाए। गिव मी वन आइडिया। देख यार, अपनी लाइफ में जो लोग ये बोलते हैं कि लव वर्क के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते, हाँ। वही लोग अपने माँ बाप को धोखा देकर भाग जाते हैं। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताऊँ, आज नहीं तो कल ये जो प्रमिला है ना, तेरे पास आएगी 100% गारंटी के साथ, कह रहा हूँ। कहीं लिख के रख ले। सामने देख जरा, उसका नाम लिया और वो यहीं पे आ रही है। देखा कहा था ना मैंने। रखा है तुमने मुझे? जरा बताओ, क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैंने कभी तुमसे कहा? हाँ, नहीं कहा ना? फिर क्यों तुम सबको वो मेरी है कहकर लोगों के सामने तुम क्यों मेरा तमाशा बनाना चाहते हो? आज उस कमीने ने मेरे पास आकर मुझे क्या क्या कहा पता है? हमारे एरिया के लड़के हो सोचकर मैंने तुमसे बात की तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह तुमने समझ लिया? देखो मुझे तुमसे प्यार व्यार की कोई फीलिंग नहीं है, यही फर्स्ट है और यही लास्ट है। अब मेरे पीछे मत आना, ये सब फर्स्ट टाइम है इसलिए सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ। अगर दोबारा ये हरकत की ना तो कुछ कहूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी, याद रखना। फर्स्ट टाइम मैंने एक लड़की को पसंद किया और उसने सीधा सीधा मेरे मुंह पे थूक दिया। आखिरकार क्या कमी है रे मुझ में? मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, कपड़े अच्छे नहीं पहनता, क्या सोच के उसने ठुकरा दिया? मैं पापी हूँ यार, बहुत बड़ा पापी हूँ मैं, इसलिए उसने मुझे ठुकराया। जिस लड़की को मैंने पसंद किया उसने मुझे ठुकरा दिया, हा? तो अब कौन पसंद करेगी मुझे? अब तो जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। मैं जिंदा नहीं रहूंगा दोस्तों, मैं मर जाऊंगा। एक जबड़ मारूंगा तेरे को, एक लड़की के लिए तो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है। तेरी मम्मी तुझसे कितना प्यार करती है पता है? एक बार सोच उसके बारे में। अरे देख, उस लड़की को हो सकता है और कोई लड़का मिल जाए, लेकिन तेरे माँ बाप को दूसरा जा कभी नहीं मिलेगा। अगर वो तुझसे बोलती है कि तुझसे प्यार नहीं करती तो भूल जाओ उसे, तेरे लिए भगवान ने कहीं ना कहीं एक लड़की जरूर पैदा की होगी। प्रमिला नहीं तो पल्लवी, पल्लवी नहीं तो जानवी, कोई भी मिल जाएगी आज। तेरे घर वालों ने तेरे भरोसे बहुत सारे सपने देखे हैं, तुझे अच्छा जॉब जरूर मिलेगा, कार बंगला गाड़ी सब कुछ होगा,
और उसके बाद देखना तेरे घर के सामने लड़कियों की लाइन लग जाएगी। करेक्ट बोला, करेक्ट बोला तूने। मुझे से लड़के को पाने का पुण्य है। वो क्या नाम है उसका? प्रमिला। प्रमिला ने पुण्य ही नहीं किया है। अब वो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। आई क्या बोलते हैं? आई हेट हर, आई हेट हर। चलो सब गाड़ी में बैठ जाओ। डोंट वेस्ट टाइम, चलो गाड़ी में। In spanking fashion. It wasn't all that bad a delivery, but the timing was exquisite. Well, the Indian flags are out. They didn't have a lot of cheer about when Pakistani batsmen were batting, but this is a lovely way to get off the mark. A little bit of wind. In spanking fashion. It wasn't all that bad a delivery. हेलो। हेलो, मैं प्रमिला बोल रही हूँ। मैं किसी प्रमिला को नहीं जानता, रॉन्ग नंबर। बच्चू, यही राइट नंबर है, ये मुझे ठीक से पता है। अब तू बचपना छोड़ दे। देख, मुझे अर्जेंटली तुमसे एक बात करनी है। ओमकारेश्वर टेम्पल के यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुझे वहाँ आना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगा। देख, अगर तू मंदिर में नहीं आया ना, तो मैं तुझे ढूंढते हुए तेरे कॉलेज में पहुँच जाऊंगी। सोच ले, तेरी इज्जत चली जाएगी। चुपचाप मैंने जहाँ बुलाया है वहाँ पे आ जा, समझा? हेलो, क्या हुआ? ओहो, क्या बात है, किसी का गुस्सा बहुत सिर पर है। तुम्हें क्या क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? मेरे डैडी मेरी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ फिक्स कर रहे हैं, पता है क्या? तो मैं क्या करूं, जाके उससे शादी कर लो। चाहो तो 50-100 फूल गिफ्ट में भेज दूंगा। अरे नालायक, तू मुझे फूल भेजेगा? अगर उससे शादी करनी होती तो मैं तुमसे मिलने आती क्या? अजय, मुझे पता है यार कि अभी भी तुम उससे बहुत गुस्सा है, लेकिन उस समय की बात अलग थी। तू ही बता, जो तूने किया वो सही था? तुझे मुझसे प्यार हुआ इसलिए तूने मुझे डायरेक्टली प्रपोज कर दिया, लेकिन तभी मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। अभी अभी तुम पर प्यार आना शुरू हुआ है। अब तुम ही एक मिनट सोचो, एक लड़की एक लड़के से बिना कुछ जाने प्यार करे, फिर उसके बाद अगर कुछ उल्टा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बताओ? इसलिए मैंने तुम्हारी पूछताछ की, तो अच्छा लड़का है ऐसे पता चला। तो अभी क्या, मुझसे शादी करनी पड़ेगी? अगर तुम कहो तो अभी मंगलसूत्र बांध दूं। इतनी जल्दबाजी मत कर, मुझे तुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल? उधर जाकर बात करें। चल। कमाल है, तुम तो ऑफर देकर ऊपर से कंडीशन अप्लाई कर रही हो। कोई बात नहीं, पूछो क्या है। ज्यादा कुछ नहीं, तू मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा ना? मैं कोई महाराजा तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मैं महारानी की तरह रखूंगा। देख, तू मुझे महारानी की तरह नहीं रखेगा तो भी चलेगा, मैं कैसे भी एडजस्ट कर लूंगी। होगा तो रहेंगे, नहीं होगा तो एडजस्ट करेंगे, लेकिन प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, 24/7 सुबह शाम सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान रखूंगा। सुना, छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मतलब लाइफ में आधे में छोड़कर नहीं जाओगे ना? सच कहता हूँ भगवान की कसम, लाइफ में तुम ही फर्स्ट हो और तुम ही लास्ट हो। अरे मेरा सोना है तू। और तुझे ये बीड़ी, सिगरेट और दारू, इन सारी चीजों के शौक है क्या? हाँ, बस के दिन एक हाथ बियर मार लेता हूँ। देख, नो सिगरेट ड्रिंक्स, ओके? वो भी हफ्ते में एक बार, और वो भी घर में। चाहिए तो मैं भी कंपनी दूंगी। कंपनी दूंगी? अरे मतलब केले के चिप्स खाकर मैं ही तुझे कंपनी दूंगी। अच्छा, वैसी कंपनी क्या? लास्ट क्वेश्चन। हाँ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछो ना, पूछो। वो तूने फर्स्ट टाइम वो वाली गलती की नहीं है? कौन सी गलती, मैं समझा नहीं कुछ। बहुत भोला है, जैसे कुछ पता ही नहीं है। बेड पे क्या है पूछा तो दो तकिए हैं, ऐसा बोल दिया। झूठ मत बोल, तुझे पता नहीं है क्या? सच बोल। वो मेरे फ्रेंड डोले स्वामी ने दिखाया था, वो भी मोबाइल में छोटी सी स्क्रीन पर। अब ये सब चीजें मत देखा कर, गलती है, यही लास्ट है। ओके ना? ओके ओके मिस्टर परफेक्ट।
ये लो मुझे प्रपोज करो। I love you. Me too, love you. अरे दूर रहकर शादी से पहले no touching, only talking. अरे अब तो हम लवर्स हो गए ना, तो उसमें डर किस बात का है? पहले मेरे डैडी से आकर बात कर, चल चलते हैं। और अगर उन्होंने हाँ ना किया तो? वो सब हम बाद में सोचेंगे, अभी तो चलो। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ ससुर जी। अरे क्यों? आराम से। अभी तक ससुर नहीं बना हूँ मैं। ठीक है, तू खा बेटा, खा खा खा। एक बात बताऊँ, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं कर सकता। प्लीज डैडी। अंकल हम दोनों को दूर मत कीजिएगा, प्लीज शादी करवा दीजिए ना। लेकिन शादी कैसे करवा सकता हूँ मैं? मेरी बात सुन, ग्रह नहीं मिले तो भी चलेगा, गुड़ नहीं मिले तो भी चलेगा, नाम नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन पैसे के बिना नहीं चलेगा। अंकल मैं रैंक स्टूडेंट हूँ अंकल, अभी 3 महीने के बाद ही हमारा कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद बड़ी सी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, आपकी बेटी को अच्छे से रखूंगा। जायदाद वायदाद कुछ है क्या? क्यों भाई, खुद का घर भी नहीं है, जायदाद वायदाद भी नहीं है, सिर्फ महीने की पगार पर डिपेंडेंट रहने वाले से मैं अपनी महारानी जैसी बेटी की शादी कैसे करा सकता हूँ भाई? सुनिए जी, खाना तो खा लीजिए। अरे बेटा तुम खाओ ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे। जी। देखो इस उम्र में अगर शादी नहीं की तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। मेरी बेटी से शादी करनी है तो एक समझौता करना होगा। अगर समझौता करने के लिए तैयार हो तो अभी बोलो, अभी इसी वक्त, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। क्या सर आप ये क्या कह रहे हैं? देखो मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ ये बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं। अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना? क्या ठीक है ना? ओके सर। तुम एक अच्छी नौकरी करो, अच्छे पैसे कमाओ और अपने लिए एक अच्छा सा घर ले लो, ठीक है? शादी से पहले अगर तुम ये सब कर सको, अपने लिए एक 3 बेडरूम का घर कैसे भी खरीद लो, ताकि हम लोग भी वहाँ पर कभी कभी आ करके रुक सके, ठीक है ना? क्योंकि आना जाना तो लगा ही रहेगा, समझ गए? देखो मैंने अपनी 2 बेटियों की शादी धूमधाम से की है, अब मैं अपनी इस बेटी की शादी भी वैसे ही करना चाहता हूँ, ताकि देखने वाले पागल हो जाएं और दूर दूर तक लोग इस शादी के बारे में चर्चे करें। लेकिन उस शादी में जो भी खर्च होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। देखो अपने 2 बेटियों की शादी बहुत अच्छे लड़कों से की है, अब अगर मैंने अपनी 3री बेटी की शादी किसी अरे गहरे लड़के से कर दी तो वो क्या है कि मेरे सम्मान के साथ साथ तुम्हारा भी तो कुछ सम्मान है ना, वो बने रहना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कार्ड छप जाने के बाद तुम चुपके से कहीं भाग मत जाना, बदनामी हो जाएगी सबकी। मैं शादी के लिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला। अगर तुम मेरी शर्त पे राजी हो तो मैं भी अपनी तरफ से राजी हूँ। ओके। और इन सब के लिए मैं तुम्हें कुल 6 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम वो सब नहीं कर पाए जो बात मैंने तुमसे कही है तो याद रखना, 6 महीने के बाद किसी अमीर आदमी को ढूंढ कर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से उससे करा दूंगा। ठीक है। क्या बेटे, तुमने हमारी बातें सुनी ना? ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। बेटा 7,500 रुपए जमा हो गए हैं, फीस के बाकी के बचे हुए पैसे अगर बाद में जमा करके दे दे तो चलेगा ना? माँ कल ही तो लास्ट डेट है माँ, किसी भी तरह फीस भरनी ही पड़ेगी, अगर फीस नहीं भरूंगा तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। हाँ जया देख, मेरे पास 1,300 रुपए है, उसे दे दो। माँ जी आपके पास इतने पैसे कहाँ से? लिए थे किसी से उधार, बाद में दे देंगे। अरे उसे दे दो, फीस भर देगा, उसे एग्जाम देनी है ना। अरे पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तो हम ऐसे ही पैसे दे देंगे, लो दे दो सी। बेटा तू कल ही अपनी फीस भर देना। हाँ ठीक है।
हे परी, अरे क्या हो गया, इतना डल क्यों लग रही हो? सॉरी यार, मेरे डैडी ने जो तुमसे कहा तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सुनो, मेरे डैडी की दी हुई कंडीशन तुम पूरी नहीं कर पाए, फिर भी मुझे बोलना नहीं। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। हे, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं हमेशा से तुम्हारा यूं, तुम्हारे पापा की इच्छाओं को यूं पूरा करूंगा, बस तुम देखती रहना। धैर्यम सर्वत्र साधनम, मैं अकेला ही पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, समझ गई? चलो अच्छी सी स्माइल दो, हंसो, स्माइल 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 स्माइल, क्या बात है। थैंक यू अजय, वो कल मेरा, कल तुम्हारा, कल मेरा बर्थडे है। हे, एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लेकिन फेसबुक में तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ अलग है। लेकिन ये रियल है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, लड़कियां सच में बहुत चालाक होती हैं। हे भगवान, क्या ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट, ये तो तू ही जान सकता है। अजय, हाँ, हमारा प्यार होने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है। इसलिए ये बर्थडे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। फर्स्ट विश तुम्हें ही करना होगा। हाँ। हमारे घर के पास वाले पार्क में मैं ठीक 12 बजे पहुँच जाऊंगी, तुम आओगे ना? हे, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे और मैं नहीं आऊंगा, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा चलो, कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ। माँ, थोड़ा पानी देना। हाँ हाँ देती हूँ। दादी माँ, आप पार्क नहीं गई थी? अरे चली जाऊंगी बाद में। पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा है। 5,000 तक का खर्च आएगा इनके इलाज के लिए, पता नहीं अब क्या होगा बेटा। ऐसा क्या? बेटा बेटा, ये कितने पैसे है, देखो देखो, इससे मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा या नहीं ये डॉक्टर से पूछ लो। दादी माँ, इतने पैसे आपके पास कहाँ से? किसी से उधार लाई हो क्या? हाँ, मेरी एक सहेली है, उससे मांग कर लाई हूँ। ऐसा क्या? दादी माँ, सच बताओ, किससे उधार लाई हो बताओ, मेरी कसम खा के बताओ। माँ, हमें तकलीफ में देखकर दादी माँ कहाँ से पैसे लाती है जानती हो? माची, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे माची, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। हाँ दादी माँ, चाहे आप कितनी भी तकलीफें आने दो, लेकिन इसके बाद से आप कभी भी भीख नहीं मांगोगी। जया, तुम्हारी तकलीफें देखकर मुझसे चुप रहा नहीं गया, घर की तकलीफें मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए भीख मांगने लग गई, भले लोगों ने मुझे भीख भी दे दी। बेटा, तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है, अपना नाम रोशन करना है। घर में बहुत सारी तकलीफें हैं, मेरा एजुकेशन पूरा करना है, पिताजी का अस्पताल में इलाज करवाना है, बहुत खर्चा यार, सब मेंटेन नहीं हो रहा है, मेरी माँ भी अकेली कब तक संभालेगी? यार कोई पार्ट टाइम जॉब हो तो बताओ ना मुझे। भाई देखो, इस समय तो एक ही रास्ता है, मेरा एक पहचान वाला है, उससे चलकर मिलते हैं हम लोग। अरे हाँ, और एक जरूरी बात, कल मेरी प्रमिला का बर्थडे है। मतलब हमको फुल पार्टी मिलेगी? हाँ, तेरे प्यार के बाद ये उसका पहला बर्थडे है, और तुझे उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देनी चाहिए ताकि वो जिंदगी भर तुझे याद करे। क्या देना चाहिए? मुझे लगता है एक रिंग और ड्रेस देनी चाहिए। अबे ओए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये सब मुझसे नहीं होगा। तू उससे जाकर एक बार मिल तो ले, तेरा पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तेरी गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाएगी। ऐसा है, हो सकता है क्या? कॉलेज में मिल जाएगा, चलो वहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। हाय अर्जित। ओ हाय अजय। यार अर्जित, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे अर्जेंट 30,000 रुपयों की जरूरत है, लेकिन मैं जल्दी लौटा दूंगा। अर्जेंट है? 15% इंटरेस्ट, हाँ बोलेगा तो कैश रेडी है। 15% लेगा? क्या बात करता है यार, 1-2% पे दे दे यार, दोस्ती का तो ख्याल रख। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप अलग है, बिजनेस अलग है, बिना फायदे के हम तो पैसे नहीं दे सकते, इतना इंटरेस्ट तो लगेगा ही, आगे तेरी मर्जी। ए, दोस्ती के नाम पे कलंक है यार, ये ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है, ये हमारी बात बिल्कुल सुनने वाला नहीं है, चल अजय कहीं और देखते हैं। एक मिनट रुक अजय, मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे 30,000 नहीं पूरे 50,000 दूंगा, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? देख, पढ़ाई लिखाई मेरी समझ में आती नहीं है, और घर वाले चाहते कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, मुझे बस डिग्री और सर्टिफिकेट चाहिए, एक बार मिल गया तो शादी में करोड़ों का दहेज मिलेगा। तुझे मेरा एक काम बस करना है, तेरा एग्जाम मैं लिख दूंगा, मेरा एग्जाम तू लिख देना। तू कैसा आदमी है, तेरे अंदर तो इंसानियत ही नहीं है, तू आखिर चाहता क्या है? अजय, तू इसकी बात मानेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, चल यहाँ से। अजय, लक्ष्मी तेरी तरफ आ रही है, उसे मना मत कर, एक बार फिर से सोच ले, तू इस कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में तू पास हो जाएगा, अजय फिर से सोच ले। ए, ए, क्या हुआ?
क्या सोच रहा है? अजय तू कहीं क्यों रे जया दीदी, बेटे की पढ़ाई के लिए तूने वीसी से पैसे उठाए हैं, वो पैसे वापस करने हैं पता नहीं है क्या? देखो सब लोग मेरे घर पर वीसी का पैसा लेने के लिए आने वाले हैं। देखो चुपचाप पैसे वापस दे दो, नहीं तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। दीदी एक हफ्ते का वक्त दे दो, हम लौटा दें। ए बहुत हो गए तुम्हारे नाटक, देख तेरी बीवी पहले से बहुत झूठ बोल चुकी है, बस एक हफ्ते का टाइम दे दो बोलती रहती है। देख बिना पैसों के मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। बुढ़िया बेटे को बाइक चाहिए, उसके लिए पैसा उधार लेकर आई, सूद तो दूर की बात है असल भी नहीं दे रही। मुझे अच्छे से पहचानती हो ना, अगर मेरे पैसे सूद के साथ नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा बेटा 3 महीने में पास होकर अच्छी नौकरी कर लेगा, उसके बाद मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। वो सब नहीं चलने वाला, मैंने कहा था कि मुझसे उधार लेकर अपने बेटे के लिए बाइक खरीदो, समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? मुझे असल के साथ सूद अभी के अभी चाहिए। अरे ये सब क्या है, हमारे घर के सामने इतनी भीड़ लगा के रखी है, लगता है बहुत कर्जा लिया है। अरे जब भी मैं महीने का भाड़ा मांगने आता हूँ तो आप कहीं छुप जाती है। सुनो पहले तो हमारा 2 महीने का भाड़ा दो और ये रूम खाली करके कहीं और चले जाओ। जब कभी भी भाड़ा मांगने आता हूँ कोई ना कोई बहाना जरूर बनाते हैं। देखो तुम्हारा बहुत नाटक हो गया, मुझे आज के आज पैसा चाहिए, अभी के अभी पैसा दो नहीं तो रूम खाली करो। भाई साहब मैं पैसे दे मैं कुछ नहीं वाला। ये सब कहने से कुछ नहीं चलेगा, पहले हमारे पैसे लाओ। भाई साहब कितना पैसा है तुम्हारा? असल और सूद मिलाकर पूरे 24,000। ये लो तुम्हारा पूरे 2 महीने का भाड़ा है 7,000। ये लो मेरे 15,000 है, पकड़ो सबको मिल गया ना, अब जाओ। माँ चलो, माँ ये पैसे रखो, पापा के ब्लड टेस्ट और स्कैनिंग के लिए काम आएंगे। बेटा इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? एक दोस्त से मैंने पैसे उधार लिए हैं, जॉब मिलते ही उसे वापस कर दूंगा। अभी और भी बहुत है। टड़ा टड़ा। ए, मेरी बात सुनो, सब आगे आ जाओ। हम दोनों अभी रोमांटिक मूड में हैं। तो तुम लोगों का इधर क्या काम? उधर कोने में जाकर केक खाओ जाओ। क्यों अजय, क्या बात है? हाय हाय क्या खूब लग रही हो, तुम भी मस्त लग रहे हो। अच्छा अरे सुन, माँ और प्रमिला ने बाइक कहाँ है ये पूछा था तो मैंने बोला रिपेयरिंग के लिए दे दी है, 1 महीना लगेगा। देख यार उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने बाइक गिरवी रखी है, समझा? ठीक है यार। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या चाहिए आपको? सर मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब दे दो तो। पार्ट टाइम जॉब? तुम क्या क्या कर सकते हो? कंप्यूटर में जीनियस है सर, पिछले साल इसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में पूरे स्टेट में अवार्ड मिला था सर। कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम हो सर 1 मिनट में ठीक कर देता है। अच्छा है, हमारे यहाँ पर कंप्यूटर की सेल्स के साथ साथ सीसीटीवी की एजेंसी भी है। अगर तुम एक सीसीटीवी कैमरा फिक्स करते हो तो तुम्हें 500 रुपए दूंगा। बिल्कुल करूंगा। तुम्हारे पास जब भी खाली समय हो तुम यहाँ आ सकते हो, हमारे पास बाइक भी है, तुम यूज कर सकते हो उसे। ठीक है सर। किरण जी सर, ये कल से सीसीटीवी फिक्स करने जाएंगे, तुम अपने साथ इन्हें भी लेकर जाना। ठीक है सर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। अजय एग्जाम कैसे गया? एग्जाम
हाँ अच्छा किया तूने तो अच्छा लिखा ही होगा। हेलो हाँ हाँ ठीक है मैडम अभी आता हूँ। हाँ ठीक है मैडम अब परी मुझे एक अर्जेंट काम है मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है बाय। अजय कृष्णा फेल हो गया। कॉलेज का टॉपर है बेस्ट स्टूडेंट है किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं कुछ समझ में नहीं आता। क्यों रे तुझे मेरी ही कोख से जन्म लेना था मेरी जान लेने के लिए तुझे मेरे भरोसे पर पानी फेर दिया। सोचा था सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा अच्छी नौकरी करेगा मेरी मुश्किलें दूर करेगा इसलिए कर्ज लेकर तुझे पढ़ाया सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। जरा इन्हें देख तेरे पिताजी की हालत कितनी नाजुक रहती है और तेरी दादी की भी उम्र हो गई है मैं अकेली दिन रात मेहनत कर करके थक चुकी हूँ। देख मैंने तुझे जन्म दिया है ना तो तुझे ही मेरा दुख दूर करना होगा ऐसी तकलीफ में जीने से अच्छा तो मर जाना है मुझे थोड़ा सा जहर ला के दे दे। नहीं माँ फिर से ऐसा नहीं होगा माँ माँ अगर तू नहीं रहेगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा माँ 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 बस एक बार मुझे माफ कर दे माँ। देख माँ मैं क्यों एग्जाम में फेल हो गया ये मत पूछना माँ सिर्फ 3 महीने का टाइम दे दे माँ फिर से री एग्जाम देकर पास हो जाऊंगा माँ तेरी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा माँ 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 प्लीज मेरी बात सुन ले माँ। देख माँ आज के बाद तू काम पर नहीं जाएगी दिन रात मैं मेहनत करूंगा अच्छे मार्क्स लाकर पास भी हो जाऊंगा और तुम सबको अच्छी तरह से रखूंगा माँ एक बार मुझे माफ कर दे माँ मुझ पर विश्वास रख माँ माँ ओह अजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? यहीं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ अंकल कलेक्शन के लिए आया था। और बताइए आप ठीक है ना? ठीक हूँ बेटा। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा कैसे हैं उनका ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन ये क्या कह रहे हैं आप? क्या बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं पता तुम्हारे पापा को कैंसर है बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये सब नहीं बताया? नहीं तो शायद घर की तकलीफें देखकर उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। जानते हो बेटा उनके अंदर जीने की बहुत इच्छा है वो मुझे कह रहे थे कि बेटे की शादी देखनी है अपने पोते को खिलाना है अब पता नहीं उनकी ये इच्छा पूरी होगी भी या नहीं अब जो भी है वो भगवान के ही हाथ में है। देखो बेटा कुछ भी करके उनका ऑपरेशन करवा दो चाहिए बेटा तो मैं भी कुछ मदद कर दूंगा। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल। मुझे भी जीने की इच्छा है तू काम पे लग जाए तेरी शादी हो जाए तू एक सुखी जिंदगी शुरू कर दे ये देखने की मेरी इच्छा है लेकिन मुझे वो पुण्य प्राप्त नहीं बेटा क्या करूं मेरा तो नसीब ही खराब है तेरी माँ अकेले काम करती है मेरे हाथों में तो ऊपर वाले ने ताकत ही नहीं छोड़ी अब ऐसी नाकारा जिंदगी से तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए बेटा। पापा ऐसी बात मत बोलिए पापा आप मरेंगे नहीं बल्कि जिएंगे आपकी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूंगा आपका ऑपरेशन भी करवाऊंगा और आपको बचाऊंगा। नहीं बेटा हम पहले कर्जे के बोझ तले दबे फिर और कर्जा लेकर मुझे बचाने से क्या हासिल होगा बता देख मैं कब मरूंगा ये तो नहीं पता अब हमारे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। पापा आप चुप रहिए माँ पापा को बोलो ना कुछ नहीं होगा आपका ऑपरेशन मैं करवाऊंगा आप बस हिम्मत रखिए। I need money. Hey, urgently पैसे जमा करने पड़ेंगे। Hey, urgently पैसे जमा करने पड़ेंगे। क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? Hey, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है यार? एग्जाम में पास हुआ तो तुझे अच्छी जॉब मिल सकती है समझा? Hey, क्या वो छोटा मोटा जॉब करना? 20,000 या 50,000 उससे शहर में जिया जा सकता है क्या? Hey, मेरे पापा का ऑपरेशन करवाना है माँ का कर्जा उतारना है प्रमिला से शादी करनी है घर में हजारों प्रॉब्लम्स हैं ये सब कैसे सॉल्व करूंगा यार इसलिए मुझे पैसे चाहिए। अरे पीकर कुछ भी बोलता है तू ठंडे दिमाग से काम लेना। क्या ठंडे दिमाग से लेने की बात कर रहा है अगर ठंडे दिमाग से लूंगा तो सुसाइड करना पड़ेगा। ए, कल और आज जिसके पास कुछ भी नहीं था वो सूरी आज उसके पास BMW कार बंगला ये सब कहां से आया बे? हम एजुकेटेड लोगों को लाइफ लॉन्ग मेहनत करनी पड़ती है ये भी कोई लाइफ है क्या? थू देख यार वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है चोरी का धंधा करता है यहाँ तक कि खून खराबा भी करता है ये सब तू कर पाएगा क्या? वो सब मैं नहीं जानता अगर आप मैं चुप रहा तो मुझे मेरा परिवार और प्रमिला सबको खोना पड़ेगा। देखो रास्ता कोई भी हो मैं चलूंगा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ
मुझे अब सिर्फ पैसा चाहिए। ए, मुझे लेकर चल किसी के पास। ठीक है यार, मैं कुछ करता हूँ। मंजू करके एक आदमी मेरे पहचान का है, मैं तुझे उससे मिलवाऊंगा, काम हो जाएगा यार। हाँ, एक मिनट, बाद में फोन करता हूँ। क्या रे मंजू, ये तू किसे उठा कर ले आया है, क्या बात है? भाई, हमारे एरिया का लड़का कृष्णा है, हमारे फील्ड में आने का सोच रहा है, थोड़ा तकलीफ में है, इसे आपके साथ रख के देखिए। हमारे फील्ड के बारे में इसे सब पता है ना? क्या नाम बताया इसका तूने? कृष्णा। किसी लव स्टोरी के हीरो जैसा लग रहा है, जो हम कहेंगे वो कर पाएगा। कृष्णा ने पूरी महाभारत रची थी, मुझे बांसुरी बजानी भी आती है, और अगर दिमाग खराब हो गया तो सुदर्शन चक्र भी चलाना आता है। गर्मी बहुत है, ठीक है आजा। ठीक है। चारा, देखो ये 3,000 करोड़ की डील है, इसके पीछे जितने भी लोग हैं ना, वो पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने सब काम सेट कर दिया है, तुम देखते रहो, कल इसके पीछे जितने भी लोग हैं सब ब्रेकिंग न्यूज में आने वाले हैं। कीप इट एज कॉन्फिडेंशियल एज आई से, दिस इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। अरे सो रहे होंगे मम्मी, तुम फालतू में खुद डरती रहती हो और हमको भी डराती रहती हो। सुबह के वक्त वो कभी नहीं सोते बेटा। अब बस भी करो मम्मी। राकेश। हाँ बोलो मम्मी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कितनी बार फोन लगाया लेकिन उठा ही नहीं रहे हैं। फोन पर कुछ सीरियस बात है ऐसा मुझे बता रहे थे। इस केस की
डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अभी थोड़ा शांत हो जाइए। ये बहुत अच्छे इंसान थे, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर ऊपर वाले की मर्जी। रोइए मत, इसके पीछे की सारी सच्चाई को मैं ढूंढ निकालूंगा। आपको न्याय जरूर मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शव विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया गया है। विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास फुल स्टेप कर दिया। सर, थोड़ी देर पहले ही पाटिल जी की डेड बॉडी विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दी गई है। देखिए, इस समय तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। इनकी पत्नी ने जब बताया तभी हमें इसकी जानकारी मिल पाई है। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद ही मैं आपको कुछ कह पाऊंगा। सर, कहा जा रहा है कि इस खून के पीछे केमेले और कई मंत्रियों का हाथ है, क्या ये सच है? सर, आपके पास कोई सबूत है क्या? खूनी कब पकड़ा जाएगा सर? प्लीज प्लीज, कुछ भी कहने से पहले जरा सोचिए। इस खाकी को अगर इज्जत मिलती है तो हम जैसे निष्ठावान ऑफिसर्स की वजह से। पाटिल साहब के खून के पीछे जो भी इंसान है, जैसा भी इंसान है, किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, ये अशोक कश्यप उसे तलाकों के पीछे भेज कर ही दबेगा। देखिए, हमारी फॉरेंसिक मेडिकल टीम ने मिस्टर पाटिल के शव का पोस्टमार्टम किया है। पाटिल के शरीर पर किसी भी तरह के खींचा ताने के निशान या खून के निशान नहीं है, इसीलिए हम इसे आत्महत्या करार दे सकते हैं। सरकार के बहुत सारे मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसीलिए उन्होंने आप पे प्रेशर डाला है और इसी वजह से आप गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में तुम्हें पता है क्या? कभी देखा है? पता कहाँ से होगा, बेमतलब की बकवास मत किया करो। ब्रेकिंग न्यूज, पाटिल जी की मौत आत्महत्या ही है, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार। आपको बता दें कि लोगों के प्रेशर की वजह से ये केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। केस सीबीआई को देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये आत्महत्या ऐसा रिपोर्ट में आया और रिपोर्ट को तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। खून के पीछे कुछ सरकारी आदमी और कुछ मंत्री भी शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे ऐसी बातें तो लोग करते ही हैं। क्या है कि विरोधी तो हमारा विरोध करेंगे ना, इसीलिए हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप ये केस सीबीआई को नहीं सौंपेंगे क्या सर? नहीं जी, सीएम अभी फॉरेन टूर पर गए हैं, जब वो वापस आएंगे कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में चर्चा करेंगे और जो भी फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। सरकार सरकार सर, इस बार आपके बॉस किस तरीके से स्ट्राइक करेंगे? सर, पिछली बार उन्होंने कैंकरी नदी में स्विम करके स्ट्राइक किया था और बैंगलोर के गंदे इलाकों में सफाई करके स्ट्राइक की थी, इस बार कैसे करेंगे सर? अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता है सर, वो किस टाइम पर किस गेटअप पे पहुंचेंगे ये तो हमें भी नहीं पता। वो जो कुछ भी करते हैं बिना कहे करते हैं, इसलिए कुछ नहीं पता, इस बार भी कुछ नहीं पता। हमारे बॉस की, हमारे बॉस की।
जय। हमारे बॉस की जय। जी तू क्या है ये तुम्हारा नंगा अवतार? मैं यहाँ नंगा आया तो तुम इसमें छिया थू करोगे? अगर खान ब्रदर्स ऐसे आते तो वो 500 करोड़ रुपए कमाते और 500 डेज सुपर हिट भी बना जाते। अगर वो बॉडी दिखाए तो वाह वाह और हम दिखाए तो बोलो आह वाह। हमारे बॉस की जय। हमारे बॉस की जय। ऐसे स्लिट पकड़ने का कारण क्या है? मैंने ये स्लिट क्यों पकड़ी है पता है? नंगे हो जाओगे इसलिए कि लोग मुझे ऐसे ही देखे और मेरी नंगी स्ट्राइक पे ध्यान दे। विधानसभा हिल जानी चाहिए, पार्लियामेंट बंद हो जानी चाहिए और पाटिल के मर्डर के पीछे जो जो भी लोग हैं वो जेल में होने चाहिए। मेरा ये नंगा रूप, मेरी नंगी स्ट्राइक हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए प्रोत्साहन बनना चाहिए। इस खून के पीछे जो भी है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। सबको जेल भेजूंगा, स्लेट पकड़वाऊंगा और उन्हें नंगा सर कुरियर सर। हाँ दो। मैडम सर के लिए कुरियर आया है। देखा सुनिए आपके लिए कुरियर आया है, पर्सनल लिखा हुआ है इस पर। ओपन करके देखो। इसमें तो पेन ड्राइव है जी। पेन ड्राइव? हाँ। प्ले करो। सुनिए जी जरा देखिए तो। हाँ ये क्या? क्या है ये सब? अरे तुम चुप रहो, मैंने इतने दिन मेहनत करके जो भी इज्जत और शोहरत कमाई थी सब खत्म हो जाएगा। एडीसीपी कहाँ हो तुम? उन दोनों को लेकर जल्दी से घर पर आओ। अब क्या करें? वीडियो देखकर तो हिल गया होगा ना तू? तुझको पता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है? है कौन तू? इसका मतलब मैं हीरो हूँ लेकिन तेरे लिए विलन। तू नहीं जानता कि विलेन होने का हक सिर्फ हमको है। बी कूल मैन, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीकर अपने सर पे तेल लगाकर अपने दिमाग को ठंडा ठंडा कूल कूल कर ले। चल बाद में फोन करता हूँ। अरे रे हे राम। नमस्ते सर। अरे नमस्ते का नमस्ते, नमस्ते को ले जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दो। आओ बैठो। क्या हुआ सर? क्या हुआ? देखो 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 हम सबका कांड देखो। बर्बाद हो गए। किसने किया? किसने ये सब रिकॉर्ड किया है सर? ए, अगर पब्लिक ने इसे देख लिया तो रोड पर पत्थर मार मार कर हमें मार देगी। हमारा साम्राज्य खत्म हो गया रे। तुमने तो कहा था कि पक्का प्लान करके करेंगे, ये है तुम्हारा प्लान? सर कोई पहचान का आदमी ये सब कर सकता है? कौन हो सकता है? कौन है वो? अरे जो है उसने हमें फोन किया था। क्या बोले सर? फोन किया था? हाँ, कौन है वो? कौन है हमको क्या पता, हम भी टेंशन में उसको कुछ बक दिए थे। फोन कट कर दिया उसने, वापस फोन करेगा ऐसा कहा है। हाँ, उसने कहा है ना वापस फोन करेगा। इतना ही काफी उसे पकड़ने के लिए। सर वन मिनट। हाँ वन मिनट। हेलो डीसीपी कश्यप हियर, हमारे अर्बन मिनिस्टर को 5 मिनट पहले एक फोन आया था। वो कहां से आया था, किसने किया था, ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी के अभी चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम, मेक इट क्विक। ओके सर। नमस्ते सर, कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ सर। ये नंबर चटकरा तालुका मैनाइक से आया सर, और ये किसी रामचरण के नाम से है सर। हमने बाकी के स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है सर, मैं इंस्पेक्टर वेणुगोपाल बोल रहा हूँ सर। ये एक किसान का फोन नंबर है सर, लेकिन डायल लिस्ट में मिनिस्टर का नंबर नहीं है सर। ठीक से तो पूछताछ की है ना सर? पक्का सर, लेकिन इस नंबर से कोई फोन करेगा ऐसा चांस नहीं है सर। इसमें हम सब लोग इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं होगा। हेलो मिस्टर अर्बन मिनिस्टर, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया क्या? तू जिससे बात कर रहा है ना वो डेडली डेंजरस डीसीपी कश्यप है। तू कौन है? डीसीपी कश्यप, शॉक्ड हुआ क्या? वो तो होना ही चाहिए, शॉक्ड होने के लिए ही तो मैंने ये वीडियो भेजा है। अगर ये YouTube पर अपलोड हो गया तो विधानसभा हिल जाएगी और लोकसभा में हड़कंप मच जाएगा। ये एक प्रोफेशनल वीडियो है बे। ये खून किया है तूने, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ मैं। ए, 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 मेरे सामने डायलॉग मार रहा है, कौन है तू?
तुझे तो मैं बिना नेटवर्क वाली जगह से भी उठा कर ले आऊंगा और मार डालूंगा। हे बेबे, मुझको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एंड दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुझको पिक्चर मत दिखा, अगर तुझ में दम है तो डीसीपी कश्यप को फेस टू फेस फेस कर। ए कमीने, मंत्री के सामने खड़े होकर उसके झूठे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है तू। तू अगर 10 जन्म भी लेकर आएगा ना तब भी तू मुझे पकड़ नहीं सकता, इसलिए फोकट का टाइम वेस्ट मत कर, चुपचाप मंत्री को फोन दे। ए मुझसे बात कर। चुपचाप मंत्री को फोन देता है, ये वीडियो अपलोड कर दूं सीधा। सर। हे कौन है रे तू और तुमको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए ये सोचकर मैं फोन फिर से करूंगा। टिल देन Keep waiting, I'll be back. Bye-bye. क्या कहा सर? अरे उसने कहा कि उसे क्या चाहिए या बाद में बताएगा। हेलो। नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर शेखर बात कर रहा हूँ सर। बोलो बोलो बोलो। इस घर में सिर्फ एक औरत है और वो कह रही है कि उसके सारे बेटे दुबई में हैं सर। मैंने उनकी फोन की डायल लिस्ट देखी सर, इस नंबर से मंत्री जी को फोन नहीं गया सर। कन्फर्म न्यूज है ना? कन्फर्म है सर। सर ये कोई ऑर्डिनरी माइंड वाला नहीं है, मास्टर माइंड है। किसी का फोन हैक करके कॉल कर रहा है, बहुत खतरनाक है ये, हमसे ही खेल खेल रहा है। वन मिनट सर। अब क्या है? कहाँ हो आप? आज धीर अमावस्या है, आपको तेल से स्नान करवा के आपकी पूजा करने कहा है गुरुजी ने। यहाँ मेरी फ्रंट और बैक की लगी हुई है और तुझे यहाँ पूजा पाठ की लगी हुई है। पूजा पाठ? हे चल फोन रख। आप तो ना हमेशा भड़के हुए रहते हैं, इसलिए आप अग्नि आईपीएस साई कुमार की तरह बात करते रहते हो। भगवान के घर आइए तो सही। क्या कहा? भगवान के घर में आने को कह रही हो? अगर आया ना तो तेरा भूत उतार दूंगा। चल फोन रख। हाँ तो सब लोग आ गए ना? सब लोग आ गए बस। तो स्टार्ट करो जल्दी। कचरा तिमराई की जय। कचरा तिमराई की जय। निकाल के चिल्लाओ, चलो कचरा कचरा निकाल के चिल्लाओ। ठीक है बस, ठीक है बस। तिमराई की जय। कचरा तिमराई की जय। वो डेफिनेटली फोन करेगा सर, पहले उसे ट्रेस करना होगा तभी वो हाथ लगेगा। सर यू डोंट वरी सर। फोन 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 फोन। सर 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 स्पीकर ऑन करके स्पीकर। हेलो हेलो मिस्टर दशरथ, स्पीकर ऑन किया है क्या? वेरी गुड, सब लोग सुन लेंगे, अच्छा है। इस गेम में तुम और मैं दोनों विनर्स हैं। ये गेम क्या है पता है? वेरी सिंपल, गिव एंड टेक पॉलिसी। मेरे पास जो ओरिजिनल वीडियो है वो मैं तुम्हें दूंगा और तुम मुझे 2 करोड़ रुपया दोगे, बस इतना ही। इससे तुम्हारी लाइफ बच जाएगी। सर 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 हाँ ओके बोलिए। ओके हाँ। 2 ही करोड़ ना? अच्छा कहाँ है तू और कौन है तू? और कितनी बार बोलूं बसंती, देखो अभी मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, डील डील इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, बता पैसा लेकर कहाँ हूँ, किस जगह लाना है, ये मैं नेक्स्ट कॉल में बताऊंगा। ओके ना, टिल देन बाय बाय। इसने सिर्फ 2 ही करोड़ मांगे, इसका मतलब ये इस फील्ड में बिल्कुल नया आदमी है, पर है बहुत कमीना। जिस उम्र में मेहनत करके कमाना चाहिए उस उम्र में मुझसे हाथ मिला रहा है। आने दो, मैं अपने हाथों से उसे कैलाश भेजूंगा। सर आप पैसे रेडी करके रखिए और मैं उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूँ। बस तिमराई की जय। कचरा तिमराई की जय। बोल रहा हूँ सर। बोलो सर, मंत्री जी को फोन करने वाला मिल गया है। क्या कहा? मिल गया वो? उसकी फोन डायल लिस्ट में मंत्री जी का नंबर है सर, मैंने देखा है। सर वो काज तिमैया पॉलिटिशियन है, पाटिल मर्डर केस को सीबीआई तक पहुंचाने के लिए वो यहाँ स्ट्राइक कर रहा है सर। तू बता रहा ना कि वो पॉलिटिशियन है, तो फिर उसके साथ कुछ अलग प्लान करके उसे उठा कर ले आया, मैं भी उधर आता हूँ। ठीक है सर। ओके। कचरा तिमराई की जय। बस तिमराई की जय। कचरा तिमराई की जय। हेलो हेलो, कचरा तिमराई बोल रहे हैं? हेलो कचरा निकाल कर बोलो। हेलो मिस्टर, नहीं कचरा इनिशियल निकाल कर बोलो, कौन हो तुम? कौन हो पता नहीं चला क्या? मैं हूँ डार्लिंग मीना। मीना याद है उस दिन हम दोनों स्विमिंग करते वक्त मिले थे, वही मीना। अच्छा वो कंगेरी मोरी मीना, तुम्हारे टेंट के पीछे कार में बैठी हूँ। जल्दी आ जाओ फिर घर चलते हैं। कमिंग डार्लिंग। सुनो सुनो चलो। बस कुछ गड़बड़ खाने की वजह से मेरा पेट गड़बड़ हो गया, किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवा के आता हूँ, तब तक तुम लोग सब कुछ ऐसे ही मेंटेन रखना है। ठीक है बॉस। अब यार कचरा तिमराई की जय। सीरो आओ बैठ जाओ ना। सॉरी एक बात पूछूं क्या? क्या कैसे पसंद आ गया पीछे?
मतलब? मेरा मतलब आगे या पीछे? आगे। आगे आगे आगे, मजा करेंगे, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। क्या डार्लिंग, तुम 10x10 के रूम में ले जाने की बजाय मुझे तुम इस 60x60 के ग्राउंड में ले आई हो। ऐसे ग्राउंड में तो एनिमल्स खेलते, क्या तुम्हें वैसे ही खेलना पसंद है? दौड़ दौड़ के मुझे भी पसंद है। मेरी सोनू, मेरी मोनू, मेरी बीनू, आओ स्विंग करते हैं। डार्लिंग, ग्राउंड में खेल खेलते वक्त विसल मारने के लिए अंपायर भी तो चाहिए ना। अंपायर? वो भी इस खेल में? ये कोई WWF गेम चल रहा है जिसमें अंपायर हाथ उठा के ऐसे बोलेगा कि आउट हो गया है? इस खेल में आउट होने से पहले हाथ तो उठाना ही चाहिए। मैं ही इसमें बैट्समैन हूँ और थर्ड अंपायर हूँ और तुम हो बॉलर। लेकिन ऑलरेडी टॉस करने के लिए अंपायर आ चुके हैं, वहाँ देखो तो। मैं जाकर रेडी होकर आती हूँ, तब तक तुम इनसे बात करो। क्या है ये सब? एम्पायर बोली थी, लेकिन यहाँ तो 12 पुलिस वाले क्रिकेट की टीम की तरह आए हैं। सर नमस्कार, सर मेरे पास आपका नंबर है। बाहर चले जाओ ना, नहीं तो टीवी मीडिया वाले मिलके स्टिंग ऑपरेशन कर देंगे। तुम पुलिस वाली हो? अब वो तो पुलिस वालों ने सब प्लान करके मुझे पकड़ा है। मुझे समझा क्या है? मैंने अगर दिल से चाहा तो क्या रहे हो? आकर बचाओ इसकी। नहीं। ए, बस हो गया, रुक जाओ। डीसी भी साहब आने के बाद सेकंड राउंड चालू करेंगे। अरे मेरी माँ, ओ अम्मा, ओ माँ, ये भ्रष्टाचार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरी बॉडी को मार मार के सुझा दिया इन पुलिस वालों ने। सर, 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 हमने इसको बहुत मारा मगर मुंह नहीं खोल रहा है। सर 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 सुनो, सर सुनो, सर आपके पुलिस वालों ने पता है क्या किया? बड़ा भारी चुल्ट है सर। ये देखो, मेरी पूरी बॉडी को मार मार के सुझा दिया सर। मेरी पूरी बॉडी की चटनी बना दी सर। बहुत बुरी तरह से मारा इन लोगों ने सर। खैर कोई बात नहीं, मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, मैं बर्दाश्त करूंगा। आप एक काम करो, सिर्फ दो नारियल पानी मंगवा दो। नारियल पानी देता हूँ, रुको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुम लोग जाओ। जी सर। अच्छा सुनो, नारियल पानी के साथ 4 वड़ा पाव और ग्लूकोन डी भी ले आना, थोड़ी ताकत आ जाएगी, यू नो। चलो, ड्रामा कर पाया? इधर आ, इधर आ। मैंने क्या किया सर? मैंने क्या गलती की सर? करीबा, वो वीडियो किधर है? कौन सा वीडियो सर? मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो सर। वो वीडियो कहाँ है? कौन सा वीडियो? मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। वो वीडियो? कौन सा वीडियो? वो वाला वीडियो? बड़े चालू आदमी हो तुम। एक मिनट रुको, मेरे मोबाइल भी ले गए सर, उसी में था। इधर लो। हेलो, ये ले लिखा। वो वीडियो मैंने कब से सेव करके रखा, बहुत स्पेशल वीडियो है सर। 1996 में ये देखिए, ये सिंगल रिलीज था सर, है ना? आप क्यों मार रहे हो सर? वो वीडियो? अच्छा, वो पॉलिटिशियन का वीडियो? ये अभी देखो ना सर, पहले कह रहा चाहिए, उसको तो मैंने कितनी बार देखा, बड़ा मस्त वीडियो है सर। ये देखो, ये पॉलिटिशियन, ये उसकी गर्लफ्रेंड, ये उसके साथ, ये देखो। आज मिनिस्टर के घर पर फोन करने वाला तू ही है ना? अब मुझे पता चल गया है सर, मेरी डेवलपमेंट और ग्रोथ देखकर किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने किसी ने मेरा मोबाइल लेकर इसका मिसयूज किया और मेरा नाम आ गया सर। सर इतना सब कुछ करने के लिए मैं कोई मास्टरपीस नहीं हूँ सर, मैं तो कॉमेडी पीस हूँ सर। छोड़ दो ना, बेवकूफ बनाता है मुझे। सुनो, ठीक 3 बजे पैसे लेकर आप अकेले ही अपनी प्राइवेट कार में आना, विदाउट एनी पुलिस एंड सिक्योरिटी। जगह मैजेस्टिक गणेश का मंदिर। अरे मेरे पापा, मत मारो। मार डालूंगा तुझे। मत मारो सर, मत मारो सर, मार सर। उसने अभी फोन किया था, मैजेस्टिक में जो गणपति का मंदिर है वहाँ आने के लिए कहा है। अब क्या प्लान बनाना है तू खुद ही देख। ये टॉर्चर सेट करने वाले मैं अकेला नहीं हूँ, मैं विधानसभा जाऊंगा। फोन करने वाला तू नहीं था? मैं नहीं था सर। पुलिस वाले की तो मैं वर्दी उतरवा दूंगा, तुझे डिसमिस करवा दूंगा। तूने समझ कर रखा मुझे? तू देख, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर एंड रेप के चार्जेस लगाकर अंदर कर लो। हेलो, क्या मिनिस्टर साहब हमको पागल समझ के रखा है क्या? विदाउट एनी पुलिस और सिक्योरिटी के आने को कहा था ना, लेकिन आप तो पूरा गांव ही लेकर आ गए। अरे नहीं भाई, हम किसी को भी लेकर नहीं आए हैं। अरे किसको कहानी सुना रहे हो? अगर ऐसा है तो नारियल पानी जो बेच रहा है वो कौन है? एसीपी कश्यप है ना?
फेस बदल गया है तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा क्या? अब 5 मिनट में सबको जगह खाली करने के लिए बोल दो, वरना तुम्हारा वीडियो में लाइव टेलीकास्ट में दिखा दूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना, तू जैसा बोलेगा वैसा करूंगा, प्लीज प्लीज। ठीक है। हेलो। अरे कश्यप, तुम सब लोग यहाँ पे हो ये उसे पता चल गया है, 5 मिनट के अंदर सबको लेकर यहाँ से निकल जाओ। ब्लडी डैम इट, ये कमीना हर कदम पे हमें फॉलो कर रहा है। ए, गाड़ी लाने के लिए बोल, हमारा नाटक उसको पता चल गया है, चलो। तुम्हें क्या चाहिए बेटी? भैया पैसे ले लो भैया। अरे मुझे तेरा पैसा वैसा नहीं चाहिए, चल जाए यहाँ से। हेलो, हमने सबको भेज दिया है भाई। तुम्हारे क्रिमिनल ब्रेन को बंद करके जैसा मैं बोलता हूँ वैसा 5 मिनट में सिग्नल बनाना, मैं फिर से कॉल करूंगा। ओके ओके ठीक है भाई। मिनिस्टर की गाड़ी नयन गली के पास जा रही है, ये देखिए सर। ए भरत, चल तेज चला, बड़ा बड़ा, कमान कमान मूव। हेलो, जहाँ बोले थे वहाँ आ चुका हूँ भाई। देखो तुम अपने फोन को ऑफ करो और गाड़ी इमीडिएटली यू टर्न लेकर अलंकार के पास जो चंद्रपास सर्कल है वहाँ पर पहुँच जाओ, वहाँ आकर अपना फोन ऑन करना, समझ गए ना? ठीक है ठीक है। सर मिनिस्टर का फोन स्विच ऑफ हो गया सर। इडियट। हेलो, कहाँ पर हो? अरे जैसा तुम कहे थे हम सर्कल पर आ चुके हैं। ओके, एग्जैक्टली 2 किलोमीटर दूरी पर एक बड़े से गार्डन के पास चक्कर रुकना, लेकिन वहां पर अपनी खुद की गाड़ी रोक देना और किसी और की गाड़ी से आ जाना। स्टॉप स्टॉप, रुको 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 रुको। ए बेटा, आगे जो बड़ा वाला गार्डन है वहाँ छोड़ दोगे क्या? सर नहीं सर, मैं तो यहाँ से राइट बैंगलोर जा रहा हूँ। तुमको 10,000 रुपए दूंगा बेटा, छोड़ दो ना। 10,000 रुपए? सर कहाँ छोड़ना है? बड़े वाले गार्डन के पास। ठीक है बैठिए सर। एक मिनट रुको, बैग लेकर आता। सर ये लंगदा पे मिनिस्टर का फोन शो कर रहा है सर। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल करेक्ट है सर। अब जल्दी से यहाँ से राइट ले, राइट ले, यू टर्न। सर मैंने आपको कहीं देखा है। सर सर आप तो वो फिल्म एक्टर हो ना? अरे यार तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। सर करेक्ट सर, आप जरूर फिल्म एक्टर हो, हीरो तो नहीं हो लेकिन विलन तो हो। सर पक्का आप विलन ही हो सर। हाँ उसमें वो हाँ रेप सीन किया था सर। रेप सीन सर? क्या आपने रेप किया था सर? मानना पड़ेगा। ए भाई तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। ए बेटा एक पैकेट सिगरेट ला दोगे? हाँ ठीक है सर। हेलो, इसी तरह कंटिन्यू 1 किलोमीटर आओगे हाँ, तो वहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट दिखेगा हाँ, वहाँ पर उतरते ही गाड़ी को वापस भेज देना और सीढ़ी चढ़कर टेरेस पर आ जाना। ओके ओके ठीक है भाई। सर ये लीजिए। थैंक्स। सर अब कहाँ जाना है? आगे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाँ, वहीं पे छोड़ देना। ठीक है सर। दे दो बेटा। सर बहुत वजन है, मैं पहुंचा ना बेटा ना। इलो अपना 10,000। थैंक यू सर। सर हाँ, आप फिल्म एक्टर ही हो ना सर? आपका नाम बताइए ना। अरे चुपचाप जाओ ना। सुनो सुनो, वो आगे से राइट लेना, 100% वही गया है। हेलो, हम पहुंच गए हैं भाई। अभी वहां पर एक ब्लैक मास्क है, उसे पहन लो। कहाँ पर है? वही तुम्हारे बगल में। नहीं अब 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 हमको छोड़ दे भाई, हमको छोड़ दे। देखो उस तरफ है पैसा का बैग, लेकर जाओ, लेकिन हमको कुछ मत करना। कुछ नहीं करूंगा, प्लीज हमको छोड़ दो।
ये पेन ड्राइव और ये सीडी है, इसमें ओरिजिनल्स हैं। अब से आप लोगों को मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ। और तुम लोगों से भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। हाँ। यहाँ पर ये खेल खत्म और पिक्चर भी खत्म। हाँ। वो अपार्टमेंट सर, हाँ वहां से राइट लो। तुम यहाँ लौट रहे ना? हेलो, अरे कोई तो हमारी हेल्प करो, हेल्प हेल्प सर। अरे किसी भी निकाल, जल्दी निकाल। ये सब उसने किया है क्या? कौन है वो सर? कौन है ये तो पता नहीं, जाते वक्त हमको ये देकर गया, कहा कि ये ओरिजिनल है। अब से हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे और तुम मेरे पीछे मत लगना। खेल भी खत्म, पिक्चर भी खत्म कहकर पैसे वाला बैग उठाकर चला सर, गया। सर, स्क्रीन प्ले उसकी है, क्लाइमेक्स मेरा होगा, पिक्चर तो अब शुरू होगी। चलिए सर। हाँ। सर, ऑपरेशन सक्सेस, ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही विल बी ऑलराइट सून। थैंक यू सर। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। आज मेरे सारे सपने सच हो गए। मेरे हाँ। बेटे ने रियल एस्टेट में कमा कर आज ही घर खरीदा है, अपने पिताजी का ऑपरेशन कराया, अब मेरा जीवन सफल हो गया। मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। नमस्कार। नमस्ते। वेलकम वेलकम। इनको दो बेटी। थैंक यू। पीजिए आप लोग। बेटा, लड़की बहुत ही सुंदर है। आप सभी मेरे घर आए, बहुत खुशी हुई। समधी जी, आपको हमारा रिश्ता पसंद आया क्या? हमें तो पसंद है, आपको? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आपको लड़की पसंद आ गई, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, खूब धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ ठीक है। अजय। हाँ अंकल। मेरी जो शर्तें थी वो तुमने इन्हें बता दिया ना? हाँ ससुर जी। वाह वाह। ठीक है ठीक है, अच्छा पंडित ढूंढ कर जितनी जल्दी हो सके मुहूर्त फिक्स कर लेंगे। ए डीसीपी, 3 महीना हो गया लेकिन तू अब तक एक मामूली आदमी को नहीं पकड़ पाया। ये कर दूंगा वो कर दूंगा कह के फेंकता रहता है, क्या उखाड़ लिया? इतनी बड़ी बड़ी मूछें लेकर घूमता है। मेरी बात सुन, एक काम कर, हाथ में चूड़िया पहन ले और जाके रोड पर भीख मांग, चल जा। हे मंत्री दशरथ, मुझे चूड़ियां पहनने को बोलता है। हे, तेरे पॉलिटिकल करियर के बीच में आने वालों का अंतिम संस्कार कराता आया हूँ। आज तक जब भी तू किसी प्रॉब्लम में फंसा, मैंने ही अपना क्रिमिनल दिमाग लगाकर तुझे बचाया है। हाय 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 हाय, हजारों करोड़ की पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलवा कर दिलाने वाला मैं ही था, और अब आज मुझे ही तू बोल रहा है कमीना कहीं का। नहीं, इसकी वजह और कोई नहीं, वही है इसकी वजह। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एजी, क्या है? मैं जरा गुरुजी के आश्रम जाके आती हूँ। अभी क्या गड़बड़ी आ गई? हमारी बालकनी से खराब हवा अंदर आ रही है, पहले उसे बंद करना होगा, ऐसा कहा गुरुजी ने। किधर से? बालकनी को बंद करने कहा है। वाह अपर्णा, अपर्णा कितना अच्छा आइडिया दिया तूने अपर्णा। तू पूजा की तैयारी शुरू कर दे, मैं बालकनी बंद करवा दूंगा और तेरी गोद में बच्चा भी दे दूंगा। ओ।
साहब, आप हमारे घर पे साहब। तुमने अपने घर में सीसीटीवी फिक्स करवाया है? हाँ साहब। कहाँ है दिखाओ। हमारे घर के अंदर और बाहर सभी जगह लगाया है साहब। हमारे हॉल को सिक्योरिटी मिलना चाहिए ना साहब। कब फिक्स करवाया? बाजू वाले पाटिल का मर्डर हुआ ना, तभी लगवाया साहब। मर्डर हुआ कह रहे हो? तुमने देखा था क्या? नहीं साहब, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं साहब, लेकिन मुझे पता है वो आत्महत्या ही है। हाँ। चलो दिखाओ कहाँ फिक्स करवाया है? सभी जगह पे, मेन डोर, किचन, बेडरूम, बाथरूम, बालकनी। बालकनी में फिक्स करवाया है क्या? हाँ, वहाँ पे भी किया है। आइए ना, चलो दिखाओ। उठो उठो, बालकनी, बालकनी कहाँ है? इधर, इस तरफ। उधर भी सीसीटीवी लगवाया था साहब। मेरी चौथी बीवी है, बेचारी को बच्चे नहीं है। हमारे वास्तु महाराज ने बताया कि अगर बालकनी का दरवाजा बंद करोगे तो तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। वो क्या है साहब कि हम दोनों यही सोते हैं, किसी की बुरी नजर ना लगे इसलिए दरवाजा क्लोज कर दिया। तूने तो क्लोज करवा दिया है, मेरे तो 9 ग्रह ओपन हो गए ना। 3 महीने से मैं इस केस के पीछे लगा हूं, लेकिन मुझे अभी तक एक भी क्लू नहीं मिल पाया है। और तू यहाँ पर वास्तु, चौथी बीवी, वो सीसीटीवी का मॉनिटर कहाँ है पहले ये बताओ। उधर हॉल में। चलो दिखाओ, चलो दिखाओ कह रहा हूँ, चलो दिखाओ, चलो अभी। अरे तू बैठ जा। ए सेठ। हाँ सर। इधर आओ। कितने बजे इंस्टॉल करवाया था? दोपहर के 3 बजे साहब। पक्का? हाँ साहब। 3 बजे बोले तो यहाँ पे 4:30 बजे, मतलब 4:30। किसने इंस्टॉल किया था ये? बसवेश्वर का स्मार्ट सिस्टम। मिल गया कमीना। नमस्कार सर। आप यहाँ कैसे? तुम ही हो यहाँ के ऑनर? जी सर। उस दिन इस एड्रेस पे जिसने सीसीटीवी फिक्स किया वो तुम ही हो? जी सर, मैंने ही करवाया था सर। कौन गया था फिक्स करने? सर अजय ने किया था सर। कहाँ है वो? सर उसने तो काम छोड़ दिया है, 3 महीने हो गए। उसका फोन नंबर, एड्रेस कुछ तो होगा तुम्हारे पास? सॉरी सर, उसका फोन नहीं लग रहा है सर, और मैंने उसका कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लिया था सर, उसका एड्रेस नहीं पता है मुझे। क्या है ये? आने वाला क्रिमिनल है या टेररिस्ट है ये सब बिना जाने तुम उसे काम पे रख लेते हो? तुम्हारे जैसे लोग हैं इसलिए तो क्राइम रेटिंग। सॉरी सर। उसे जानने वाला कोई तो होगा ना? है ना सर। ए किरण सर, ये जानता है ना सर? तो तू ही है? हाँ सर। उसका एड्रेस बता। सर उसका एड्रेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बालशंकरी से आता है इतना पता है मुझे। उस दिन कौर बंगला फ्लैट में सीसीटीवी कैमरा फिक्स करने के लिए तुम उसके साथ गए थे ना? हाँ सर। इतना ही होता है सर। उस दिन मैं लाइन लगाकर आ गया था, उसके बाद अजय भैया ने इंस्टॉल किया था सर। देखो सर, ये 10,000 रुपए है और उसे सिर्फ तुमने ही देखा है। अगर उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी तो तुम्हें 1,00,000 रुपए और दूंगा। जी सर। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो फोन करना। ओके सर, पक्का। भूलना मत। नमस्कार सर। तुम तो मुझे ऐसे हार पहना रहे हो जैसे मैं राज्य का अध्यक्ष बन के आया हूँ, लेकिन मैं तो जेल जाके आया हूँ। बॉस माफ कर दीजिए बॉस, आप अपना शरीर हल्का करने के लिए गए थे लेकिन 3 महीने तक नहीं आए और न ही फोन रिसीव कर रहे थे। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए तो हमें लगा आपने आत्महत्या कर ली है, इसलिए आपका श्राद्ध करके हमने भोज भी खा लिया बॉस। मेरे श्राद्ध का खाना खाया? जिंदा रहते मुझे मार दिया, मेरा श्राद्ध करवाया, सब भक्तों को तुम लोगों ने मेरे पैसों से खाना खिलाया, और वो भी तब जब मैं जिंदा हूँ। सॉरी भाई। भाई है? आप कौन से मैटर में जेल गए थे भाई? हाँ। अरे वो कहानी मत याद दिला, मेरी रूह कांप जाती है। ना 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 ना। बॉस आप इतने पतले हो गए हैं, स्वर्ग में खाना पीना नहीं मिलता था क्या? अबे मुझे रामनगर के ताज होटल में ले जाकर उन्होंने मुझे दम बिरयानी नहीं खिलाती कुछ समझा? अरे मैं जेल गया था, वहाँ मुझे अंदर डाल के सुबह से लेकर रात तक सभी आने जाने वाले मसाला डाल के, तेल डाल के, ग्रीस डाल के, हॉकी स्टिक से मेरी पूजा करते थे इधर से उधर। और तू कहता है मैं पतला हो गया? भाई जब आप यहाँ नहीं थे तो आपका एक विरोधी पैदा हो गया। आजकल उसी की हवा है भाई। अच्छा तो मेरे पीछे से ये हुआ, मेरे विरोधी पैदा हो गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी रानी तक हवा सिर्फ मेरी रहनी चाहिए, मेरे बाद मेरे बेटे की, फिर दूसरी बीवी की, उसके बाद उसके बेटे की, इसके अलावा किसी की हवा नहीं रहनी चाहिए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं भाई, शेर को कभी अपना शिकार ढूंढने नहीं जाना चाहिए, शिकार को शेर के पास चलकर आना चाहिए।
ये पकड़ो जरा भाई, अपना फोन तो लीजिए, जरा ठीक से उसे दम दे दीजिए भाई। एक बार फोन पे बात की थी तो मेरी जो हालत हुई वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, अब दोबारा करो? अरे नहीं रे। कंग्रेचुलेशंस, आपके घर नया मेहमान आने वाला है, आप पापा बनने वाले हैं। थैंक यू मैडम। ये कुछ टैबलेट्स दे रही हूँ, ये इन्हें रोज देते रहिए। हाँ मैडम, ओके श्योर, आते हैं। ओके थैंक यू मैम, बाय। आज इस तरफ क्या भाई, आपका घर है क्या? हाँ अपना ही है, आना कॉफी पी के जा। भाई फिर कभी आऊंगा, चलता हूँ अभी। हाँ ठीक है चलो। अच्छा भाई। हाँ डीसीपी को फोन करना चाहिए। शे, स्विच ऑफ आ रहा है। आजकल दुष्कर्मियों का पाप बढ़ गया है। कॉल सेंटर के उद्योगी के ऊपर सामूहिक अत्याचार, काम खत्म करके टीटी वाहन घर पे जाते समय की ये बात है। ड्रॉप के बहाने टीटी में चढ़ा के अत्याचार करने वालों का दुष्कर्म। दुष्कार्य करने के बाद युवती को बीच रास्ते पर फेंक के चले गए। अत्याचार हुई युवती का इलाज शहर के GM हॉस्पिटल में चल रहा है। हेलो कौन है? हेलो सर, मैं किरण बोल रहा हूँ, CCTV शॉप वाला। ए, चला जा, आ बैठ। जी सर। सर यही घर है सर। शनिवार की रात में दुष्कर्म के अजय नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म के कुछ घंटों बाद ही दुष्कर्म का खुलासा करने वाली मणिवाल पुलिस, कल रात को मेरे बच्चे को पुलिस वाले उठा के लेकर गए, आज ये टीवी पे आ रहा है। तुम तो जानते ही हो मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता, किसी भी तरह उसे छुड़ा कर लेकर भगवान के लिए इसे लेकर। वो गाड़ी वाला कहाँ है? उसे सेल में डाला है सर। उसे रिकॉर्ड रूम में लेकर आओ। सर नमस्ते सर। तुम लोग जाओ। सर वो कार मेरी ही है सर, MNC कंपनी को दी है, मेरे पापा देखभाल करते हैं। वीकेंड्स में ट्रैवल करने के लिए दूसरे ड्राइवर्स को देता था, वो कमीना ऐसा करेंगे मुझे पता नहीं था सर। सर सच में मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सर थैंक यू सर, ऐसा है तो आप मुझे छोड़ दीजिए ना सर। छोड़ दूंगा, थोड़ा तो वेट कर लो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। कुछ नहीं, तुम्हें बस एक अच्छी सी क्राइम स्टोरी दिखानी है। सर आप ये वीडियो मुझे क्यों दिखा रहे हैं? पाटिल का खून आपने किया है क्या? सर पाटिल का खून हमने ही किया है, और अगर तूने अब सच नहीं कबूल किया तो तेरा खून भी हम ही करेंगे। क्या सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? नौटंकी कृष्ण, लीला बहुत बढ़िया रचाते हो तुम। कोर मंगल अपार्टमेंट में CCTV जिसने फिक्स किया है वो तुम ही हो ना? हाँ सर मैंने फिक्स किया था। फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले भी तुम ही हो? सर रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस कैमरा फिक्स किया था सर। मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं। सर मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं मान कैसे लूं सर? जानता हूँ, तेरे मुँह से सच कैसे उगलवाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला तो इतना बोल? नहीं सर मैंने नहीं किया। इसकी बीवी को उठा कर ले आओ यहाँ। जब सर आपको फुटबॉल खेलना आता है क्या? कॉलेज में थी तब खेलती थी सर। ये कमीना मुंह नहीं खोल रहा है और इसकी बीवी प्रेग्नेंट है। हाँ सर। जोर से लात मार। मैं बताता हूँ सर। जाओ तुम लोग। चल 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 चल। सर
फ्लैट में सीसीटीवी कैमरा फिक्स करने गया था। अरे यार कैमरा गिर गया। सर्विस में मैंने आज तक कितने ही लोगों को लड्डू खिलाया है, लेकिन तूने मुझे एक नहीं दो दो लड्डू खिलाए। दो लड्डू। तूने जो लड्डू खिलाया ना, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मेरी बीवी के साथ शांति से सोने भी नहीं दिया तूने, तुझे तुम। तो मंत्री जी का फोन आ गया। चूड़िया पहनकर घूमने को बोला था ना, चूड़िया पहना दी। मतलब मिल गया वो। मेरे सामने मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, सिर्फ सांस चल रही है। कहो तो वो भी निकाल दूं। ए, ऐसा कुछ मत करना। तू जल्दी से घर पर आ जा, उससे कैसे खत्म करना है ये हम तुमको बताएंगे। तेरी किस्मत देख लेते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, गिनती शुरू कर। अभी अभी मिले हुए समाचार के अनुसार टीवी मालिक के दिए हुए बयान पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग रेप केस में एक नया मोड़, अत्याचार के मामले में अजय भी शामिल है और सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों ने अपने किए हुए जुर्म को कबूल कर लिया है। जिस लड़की पर अत्याचार हुआ उस लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है, इसलिए इस फैसले की तारीख को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तब तक इन सारे अपराधियों को जेल में ही रहना पड़ेगा, ये अदालत का फैसला है। इसके अलावा उस लड़की को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा फैसला सुनाया जाता है। टू थ्री फोर फाइव। हाय, अरे बच गया वो, पकड़ो उसे। वो इसी जगह से कूदा है। कम ऑन सर्च, चलो। कम ऑन। ये डीसीपी साहब मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? सर, गुड मॉर्निंग सर। ए नायक, उठा दिया क्या? सर वो क्या है कि ये सब छोड़, सीधा सीधा बोल। सर, हमने प्लान के हिसाब से ही शूट किया था, लेकिन फिर भी वो भाग गया। देख, तू क्या करेगा, कैसे करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन सूरज उगने से पहले उसकी सांस रुक जानी चाहिए, समझ गया ना? यस सर। पर याद रख, अगर तूने मिस कर दिया ना, तो तेरी डेड बॉडी भी तेरे घर वालों को नहीं मिलेगी। ए, सर्च! इंस्पेक्टर सर, तुम इस तरफ जाओ। ओके सर। सब फैल जाओ। चलो। ब्रेकिंग न्यूज, बेंगलोर पुलिस द्वारा नकली एनकाउंटर करने का प्रयास। हमारे चैनल ने ये वीडियो जारी किया है और शहर की पुलिस का असली चेहरा पब्लिक के सामने लाया है। इस वीडियो में एक आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा है और तभी पुलिस वाले उसे कहते हैं कि उठो और वहाँ से भाग जाओ। उसके बाद पुलिस वाले उस पर गोली चलाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस फेक एनकाउंटर के पीछे शहर के बड़े बड़े नेता और मंत्रियों का भी। डीसीपी सर, अपने पुलिस वालों से कहकर कुछ तो करो। सर, एक तरफ तो वो भाग गया है, दूसरी तरफ मीडिया वाले स्टिंग ऑपरेशन करके हमें परेशान कर रहे हैं। ऐसा माहौल देखकर विरोधी और जनता ने मिलकर अगर स्ट्राइक कर दिया तो हम सबका राज बाहर निकल के आ जाएगा। पहले तो उस मीडिया का मुंह बंद करना होगा। करेक्ट। अब उनकी उंगली उनकी ही आंखों में कैसे घुसेड़ता हूँ देखो, जस्ट वेट एंड सी। ठीक है। सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो, उसकी फोटो व्हाट्सएप में सभी पुलिस वालों को सर्कुलेट करो। सुनो, ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। सिटी का कोना कोना, हर बॉर्डर ठीक से चेक करो। सिटी में घुसने से पहले ही उसे कैच करना होगा। एक सिगरेट देना भाई। भाई साहब, जरा फोन दे सकते हो क्या? घर में फोन करना है, अर्जेंट है। अर्जेंट है क्या? हाँ भाई, मेरा फोन गुम हो गया। ठीक है, जल्दी बात कर लो। हाँ
हेलो प्रमिला। अजय कहाँ हो तुम? देखो मैं पुलिस वालों से भाग कर आया हूँ, तुम पहले माँ पापा दादी को लेकर किसी दूसरी जगह चली जाओ। ठीक है सर। आपके डिपार्टमेंट के द्वारा फेक एनकाउंटर की हमें खबर मिली है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जूम करके ब्रेकिंग न्यूज, सेंसेशनल न्यूज बोलकर टीवी में डालते रहते हो ना, वो झूठ है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, वो 100% सच है। उस दिन रात को शहर के सेंट्रल जेल में अपराधियों का ट्रांसफर करते समय यूरिन के लिए गाड़ी को रोका था, उनमें से एक बाहर आकर कहने लगा मुझे छोड़ दिया जाए सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर, और पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। और इसी को आप सभी चैनल वाले इमोशनल न्यूज बनाकर बार बार टीवी पर दिखा रहे हैं ना, दैट इज करेक्ट, सेम टू सेम। देखिए उसके बाद उसने उस जगह से भागने की कोशिश की, पुलिस वालों ने शूट किया और तब वो घबरा कर रुक गया, उसे पकड़कर सीधा सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज गो एंड चेक रिकॉर्ड्स इन सेंट्रल जेल। अब हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज जाइए। कहाँ सर? अंदर कोई है तो नहीं ना? हाँ, गाड़ी में कोई है क्या? है? नहीं सर। सही बोल। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, जाने दो इसे, जाने दो। ए, गाड़ियों को। कहाँ है रे तू? जब पकड़े जाओगे तो पुलिस वाले तेरी जान ले लेंगे, खतरों से खेलना बंद कर। ए, दिमाग खराब है क्या? गलती पर गलती कर रहा है तू, एक गलती को मिटाने के लिए दूसरी गलती, दूसरी गलती को मिटाने के लिए एक और गलती, बता क्यों? डर, डर, कहीं पकड़ा ना जाओ इसी का डर है तुझे। ए, मुझे पागल समझ रखा है क्या कि तेरे कहने पर सारे ओरिजिनल्स तेरे हाथों में रख दूंगा? ओरिजिनल्स अभी भी मेरे पास ही हैं। एक बार एंटर का बटन दबा दूं ना तो सभी इंटरनेट, यूट्यूब चैनल्स और मीडिया पर तुम लोगों की क्राइम स्टोरी टेलीकास्ट होती रहेगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम बोलोगे तो पैर भी पकड़ लूंगा। ए, बोलो कितने करोड़ चाहिए? तुम लोगों ने खून पसीना बहाकर पैसा कमाया है क्या? वो सब हम जैसे गरीबों का लूटा हुआ पैसा है। उन पैसों से ज्यादा लोगों को पत्थर फेंक कर मारते हुए देखना चाहता हूँ तुम लोगों को। प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो बोलोगे वही करेंगे, इस बार हमको माफ कर दो। ओके, सबसे पहले मुझे उस रेप केस से बचाओ, उसके बाद मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। हाँ बचाऊंगा ना, तुम बोलोगे तो उस रेप वाली लड़की से ही बुलवा दूंगा। वो कैसे बोलेगी, वो तो कोमा में है ना। अरे चाहे जितना भी पैसा खर्च हो हम उस लड़की को बचाएंगे। तो सबसे पहले वो काम करो, अगर तुम जीना चाहते हो तो उस लड़की को बचाओ, और अगर वो लड़की मर गई। अरे वो नहीं मरेगी, उसे हम बचाएंगे। ए भाई कल तुम कोर्ट में आ जाना। कोर्ट में भी आऊंगा और तुम लोगों को बचाऊंगा भी, लेकिन गलती से भी अगर किसी ने भी मुझे छुआ तो तेरा वीडियो दूसरी जगह अपलोड करने का इंतजाम मैं कर चुका हूँ, ध्यान में रखना। सर नमस्ते सर। जिस लड़की का रेप हुआ था अब उसकी कंडीशन कैसी है? सर उस पेशेंट की कंडीशन अभी बहुत ही सीरियस है, उसके बारे में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है सर। देखो वो सब हमको मत बताओ, कुछ भी करो लेकिन उसको बचाओ। सर मैंने ऑलरेडी मुंबई से हेल्प मंगवा ली है सर, वहाँ से डॉक्टर राजकृष्ण मूर्ति यहाँ आ रहे हैं, उनके आने पे ये केस सक्सेसफुल हो सकता है सर। हाँ रवि सर इस केस को फॉलो करते रहना। ओके सर। Yeah, she's improving. Yeah. Thank you very much, doctor. Time कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। Sir, नमस्ते सर। Oh. आ जाओ. तुम यहीं रुको। I'm very sorry. तुम हमें माफ कर दो, please.
मिनिस्टर साहब ने हमें फोन करके सब बता दिया है। देखो हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अगर फाइल यहीं क्लोज हो गई तो आगे मेरी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एक और बात, जो गलती आप लोगों ने की है उसे मान लो, आगे से ऐसी गलती मत करना। डेफिनेटली, थैंक यू। चलो हेलो सर। हाँ बोलो। वो वैन में जा रहा है। देखो इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, जस्ट वेट एंड सी। यू कैन प्रोसीड। आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद अदालत इन चारों अपराधियों को सेक्शन 379 के आधार पर उम्र कैद का आदेश सुनाती है और साथ ही बेगुनाह साबित होने पर अजय कृष्ण को बाइज्जत बरी करती है। सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अंदर चलो बताता हूँ। क्या हुआ सर, हंस क्यों रहे हो? चूहा खुद ब खुद आकर जाल में फंस गया ना, इसलिए। ये आप क्या बोल रहे हो सर? कृष्ण लीला फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है सुनाइए सर। सर कमीने, भूख लगे तो अपने ही बच्चों को खाने वाला जानवर हूँ मैं, बहुत सेल्फिश हूँ। मेरे काम में उंगली करने वाला मेरा बाप हो या फिर मेरा पैदा किया हुआ मेरा बेटा हो, किसी को नहीं छोड़ता है ये कश्यप। तो फिर तू क्या चीज है रे, एक छोटा सा चूहा। नहीं नहीं सर, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सर, प्लीज सर। अभी तक तो तू हमें भरतनाट्यम कराता आया है ना, कितनी जल रही थी हमारी, जानता है कितनी जल रही थी? है? ए, देख तुझे जन्म किसने दिया है ये तो मैं नहीं जानता, पर तुझे मारने वाला सिर्फ मैं हूं। पैसे तो हमारे थे लेकिन वो पैसा लेकर तू अपनी बीवी के साथ अकेले मौज कर रहा था और इधर हमारी नींद उड़ी हुई थी। जिंदा रहोगे हमारे लिए खतरा बने रहोगे, तुम्हें मारना होगा,
तुम्हारे साथ सच को भी मारना होगा। ए, तुरंत एम्बुलेंस का फोन करो। जीनियस समझ रहे हो खुद को? एक इंच की बुलेट अगर नहीं होगी तो क्या होगा? ये 6 फीट का हाथी है ना तुझे अपने पैरों से कुचलने के लिए। मैं मरूंगा, तू भी मरेगा, लेकिन सच कभी नहीं मिलेगा। तेरी मौत का रिंगटोन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन बिगिंस। हेलो सर। तूने जब मुझे वैन में बिठाया तभी तेरी गंदी सोच पता चल गई मुझे। अगर सच बोलो तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। तेरी क्राइम स्टोरी का वीडियो तूने टाइम पास के लिए बना कर रखा है ना, उसे तेरे ही मोबाइल से पूरी दुनिया भर को भेज दिया। कीड़े को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप और सांप को बाज खाता है। मगर उस बाज के भी ऊपर कोई बैठा होगा जो तुझे नहीं छोड़ेगा। चला जा। मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। जिस दिन तूने हत्या की थी उसी दिन शेयर करके मीडिया को लीक करना चाहता था मैं, लेकिन मैं मरने की हालात में था। तुम लोगों से लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। पाप से जो मैंने पैसा कमाया था वही मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन उस भगवान ने तुम जैसों की वजह से दूसरा चांस दिया। जो होगा देखा जाएगा सोच कर आज मैंने हिम्मत की है। तुम जैसों को जीने का कोई हक नहीं। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इसके खून से तेरे हाथ गंदे नहीं होने चाहिए थे। ये वीडियो देखो, व्हाट्सएप पे किसने सेंड किया। अपने 20 साल के करियर में इसके जैसा घटिया पुलिस ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे करप्ट ऑफिसर के जूते चाटने से तो बेहतर है कि मैं सुसाइड कर लेता। आज मैंने अपनी इस वर्दी की इज्जत बचाई है। मोबाइल मुझे दो, तुम यहां से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है, ऐसा एक सीडी के जरिए साबित हो चुका है। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री के लिए गड्ढा खोदा पर वो उसमें खुद ही फंस गए।